जी, और इसको ना आप फुल में कर दीजिएगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड पे, यहाँ से। वो एग्जीक्यूशन मोड अगर आगे आना तो रिकॉर्डिंग का इशू हो जाएगा। आवाज आ रही है आपको? ओके, मेरा फातिमा हजारा भट्ट है, बट लोग मुझे फातिमा भट्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन ईयर 2015, और सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग, और मैंने अपना लाइक आई वर्क विद डिफरेंट लॉ फर्म्स, और उसके बाद सिंस 2017 आई हैव बीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। और जो मेरी जो रिजेक्शन है, मैं कैसे से डील कर रही हूं रिलेटेड टू ओवरसीज पाकिस्तानी, बट इसके साथ साथ मैं दूसरे मैटर्स को भी देख रही हूं, लाइक यहाँ हमें ये भी चीज देखते हैं
कि उसका फॉर्मेट एक ही है, वो तकरीबन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आपने अपनी प्लेन सबमिट करा दी है, दूसरी पार्टी की रिटर्न स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है। कि कोर्ट देखती है कि आपके जो दरमियान मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, आप लोग लाइक कोर्ट देखती है कि कौन सी चीजें जो है वो एक पार्टी एडमिट कर रही है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, और उन्हीं को ही देखते हुए इसके ऊपर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली लॉज ऐसे लॉज है जिनके ऊपर सिविल प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं है, इट्स अ स्पेशल लॉ, और इसके ऊपर जो ऑर्डिनरी लॉज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते उनका जो है तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जब हमारा लॉ साइलेंट है इस बारे में कि उसके ऊपर सिविल लॉ और एविडेंस का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो इस सूरत में इन केसेस की एविडेंस किस तरह होगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज आती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पार्टी एक पार्ट को डिनाई करे, एक पार्टी एक्सेप्ट करिए, तो आपने उन चीजों को जो एविडेंस में लेकर आना है, कोर्ट के सामने लेकर आना है, उसके लिए सिर्फ एक ही मोड है, विच इज क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर जब आपकी एविडेंस होगी, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर ली, उसके बाद बात आती है फाइनल आर्गुमेंट्स की, लाइक यू हैव टू हाउ यू हैव टू आर्गू योर केस, आपने जज को कैसे कन्विंस करने हैं अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेने के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड जो फाइनल चीज आती है विच इज जजमेंट एंड डिक्री, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज को सुन के आपकी प्लेंट आ गई, आपने जो है एविडेंस करा दी, अपनी फाइनल आर्गुमेंट्स भी कर दिए, एंड आफ्टर दैट जो है वो कोर्ट जजमेंट एंड डिक्री पास करेगी, उसका क्या स्टेटस होगा, उसको आपने इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड द अदर थिंग जो मेरी एक्सपर्टीज में कंसिडर की जाए, इट इज फॉर डिवोर्स प्रोसीजर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ के ऊपर कहीं भी स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है कि ओवरसीज के लिए डिवोर्स का क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं उनकी, बट ये चीजें जो है ये ऑलरेडी हमारे फैमिली लॉज में एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं आपको उनका भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आता है या कॉन्टेक्ट करता है कि मेरी शादी पाकिस्तान में हो गया लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई एम रिजाइडिंग अब्रॉड, मैंने अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना है या अपनी वाइफ को डिवोर्स देनी है, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है और किस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, तो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसको जो है आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें फैमिली लॉज की, तो ऑफकोर्स ये ऐसे मतलब मैटर्स हैं जो सोली फैमिली मैटर्स को रेगुलेट कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैरिज को और जो फैमिलीज हैं उनको प्रोटेक्शन देगी, स्टेट ऐसे लॉज बनाएगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएगी जिससे जो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी फैमिली है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, तो उसी इसी को ही देखते हुए जो हमारे फैमिली लॉज है वो बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कौन कौन से रेलेवेंट लॉज हैं, ये पांच लॉज हैं। द फर्स्ट वन इज द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, इट वाज पास इन 1939, लाइक ये के पाकिस्तान बनने से पहले का ही लॉ है, बट स्टिल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है पाकिस्तान में, और इसी के ही थ्रू जो है आपके डिवोर्स के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेज जो है वो प्रोसीड किए जाते हैं। द नेक्स्ट लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसी में ये बताया गया है कि आपकी शादी किस तरह रजिस्टर्ड होगी, डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, लाइक जो मुस्लिम फैमिली, और ये स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए है, इसमें क्रिश्चियंस को फॉल नहीं करते, हिंदूस फॉल नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अपने पर्सनल लॉज बनाए गए। अगर कोई क्रिश्चियन लेडी डिवोर्स लेना चाहेगी तो वो इन लॉज के तहत नहीं लेगी, उनको अपना लॉ फॉलो करना पड़ता है। फिर उसी ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो रूल्स भी बनाए गए हैं जिसको कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। द नेक्स्ट थिंग कि कोर्ट्स कैसे काम करेंगी, लॉस तो आपने पास कर दिए बट देर हैज टू बी सम फ्रेमवर्क रेगुलेशन फॉर द कोर्ट के उन्होंने केसेस को प्रोसीड किस तरह करना है, एविडेंस किस तरह होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस तरह कंडक्ट होगी, उसके लिए भी स्पेसिफिक लॉ है जिसको द बेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट कहा जाता है, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर जो है वो इसके रूल्स पास किए गए थे 1965 में, जिसको बेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स कहा जाता है। तो हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो सब इन रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली ही होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में लॉ है मैरिजेस को डिसॉल्व करने के लिए, इट वाज पास इन 1939, और इस लॉ का नाम है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। एक मेरी बुक को उठा दी, मेरी बैग में पड़ी।
जब भी कोई लॉ पास किया जाता है तो उसमें सबसे पहले मेंशन होता है कि उसके बारे में बात की गई है कि अगर कोई मुस्लिम खातून है वो डिवोर्स लेना चाह रही है या अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाह रही है तो वो किस तरह लेगी, और सेकंड उस सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी डाउट्स उस टाइम थे कि अगर कोई खातून जो है वो इस्लाम छोड़ देती है, या समटाइम ऐसा भी होता है कि खातून ने शी वॉज क्रिश्चियन लेकिन शादी के बाद वो मुस्लिम हुई और उसके बाद वो दोबारा क्रिश्चियनिटी की तरफ वापस चली गई, तो उस सूरत में उनके निकाह का स्टेटस क्या होगा। तो इस इन दोनों की क्लैरिफिकेशन के लिए जो है ये लॉ पास किया गया है। अगर हम इस केस के शॉर्ट टाइटल की बात करें तो इस एक्ट का जो नाम है द रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, क्योंकि सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस लॉ का जो नाम होगा रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 है। और जो इसके सेकंड की बात करें इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सब सिटीजन के ऊपर ये अप्लाई होता है, चाहे कोई पंजाब में है, चाहे कोई इस्लामाबाद में है, चाहे कोई केपीके में है, तो इन सब के ऊपर इस लॉ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें जो सेक्शन 2 है वो बात करते हैं कि ग्राउंड फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि आपके पास क्या क्या ग्राउंड्स अवेलेबल है किसी भी मुस्लिम खातून के पास कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। अब वो ग्राउंड्स जो है वो बताए गए हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें जो इसका सेक्शन सब सेक्शन 1 है, अ वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड, कि इसमें मैं का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया कि ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, बल्कि इसमें शेल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि ये मैंडेटरी है कि जो भी मुस्लिम खातून होगी वो इंटाइटल होगी इस चीज के लिए कि वो डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीव कर सकती है। और इसमें ये भी मेंशन किया गया कि जो इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं इन सब ग्राउंड्स की बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, किसी दो ग्राउंड्स की बेसिस पे भी कर सकते हैं, किसी सिंगल ग्राउंड की बेस पे भी कर सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें जिसका सबसेक्शन 1 है, that the whereabouts of the husband had not been known for a period of 4 years. यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हस्बैंड का पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गया है, लाइक आप उसको ढूंढने की भी कोशिश करें उसका पता ही नहीं। यहाँ पे इवन इस तरह के भी केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें फ्रॉड मैरिजेस होती हैं कि दूसरे इलाके से लोग आएंगे, कुछ अर्सा यहाँ पे सेटल होंगे, उसके बाद लाइक इट्स वेरी कॉमन के जहेज वगैरह इकट्ठा करके, गोल्ड इकट्ठा करके, उसके बाद हस्बैंड गायब हो गया, उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ गया। तो उस केसेस में जब खातून को पता ही नहीं है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर होगा, तो इस तरह की शादियों को किस तरह डिसॉल्व किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात की गई है इसमें। और इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई ऐसी शादी हुई है जिसमें हस्बैंड 4 ईयर से उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो खातून के पास ये सॉलिड ग्राउंड है कि आप जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सी कर सकते हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और खुला में जो मेन डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ये इन ग्राउंड्स की बेसिस पे हो सकती है, और अगर आप किसी इनमें से किसी एक ग्राउंड को भी प्रूव कर देते हैं देन यू एंटाइटल्ड फॉर द हक मेहर, कि आपको अपना हक मेहर नहीं छोड़ना पड़ता। और खुला में आपके पास ये एक्सेप्शन है कि अगर कोई फीमेल कहते हैं कि जी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और उसमें आपको कोई भी इन ग्राउंड्स को भी बताने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जी मैं अपने हस्बैंड को मैं उसके साथ रहने लायक मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। और ये वाकई मैं आपको एक हदीस के वर्ड बता रही हूँ जिसमें जो इस्लाम की जो पहली डिवोर्स थी खुला थी वो इस बेसिस पे हुई कि उन्होंने आके कंप्लेन की कि मुझे अपने हस्बैंड का चेहरा पसंद नहीं है और मैं इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती हूँ। और वो उस कंडीशन में डिसॉल्व हुई थी कि उनके हस्बैंड ने उनको हक महल में खजूरों का बाग दिया था जो उन्होंने रिटर्न किया, और उसी टाइम उनकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई। इट वॉज खुला क्योंकि उनको किसी भी ग्राउंड को प्रूव नहीं करना पड़ा था, और उसमें जो उनको कंसिडरेशन दी गई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। अब जो इसमें सेकेंड ग्राउंड है दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि अगर कोई ठीक है रिक्वायरमेंट के 4 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो उसमें पास होना चाहिए। मे भी उन्होंने खुला की बेसिस पे केस फाइल किया हो,
लेकिन अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल करेंगी देन शी हैज टू प्रूव कि मेरी शादी को बल्कि मेरे हस्बैंड को मतलब गुमे हुए या उनके लापता हुए 4 ईयर्स हो गया, अगर 4 ईयर्स से एक भी दिन कम होगा तो देन कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकती है। इसमें 4 ईयर्स का मैंडेटरी टाइम पीरियड है, हो सकता है कि उन्होंने खुला के बेस पे किया हो। वैसे मुझे भी यही लगता है कि जो फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं ना उसमें जो क्लेम के कंटेंट्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा और सेशन के बाद वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट ग्राउंड है व्हिच इज वेरी कॉमन, इसके बेसिस पे बहुत से केसेस आते हैं कि द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। दिस इज अ वेरी सॉलिड ग्राउंड कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 ईयर्स तक फाइनेंशियली मेंटेन नहीं करता तो उस खातून के पास ये ऑप्शन है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीक कर सकती है। इसके अलावा इसमें सबसेक्शन 2A है जिसमें बात की गई है कि दैट द हस्बैंड हैज टेकन एन एडिशनल वाइफ, कि आपको पता होगा सबको कि मुस्लिम जो MA फेलो है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पॉलीगैमी किन कंडीशन उसकी कंडीशनल है कि आप किन कंडीशन में जो है वो दूसरी वाइफ लेके आ सकते हैं और उसका एक उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है कि आपने जो है वो यूनियन काउंसिल से जो है वो परमिशन सीख करनी है। यूनियन काउंसिल फिर आपकी वाइफ को नोटिस करेगी तो उसके बाद अगर वो परमिशन देती है तो उसके बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। बट अगर हस्बैंड ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है और उसकी कंफर्मेशन वो किस चीज से कर रहे हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में जिसमें पॉलीगैमी का प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया, तो अगर वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता वो दूसरी शादी कर लेते तो उस सूरत में भी जो है वो खातून जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख कर सकती है। जो इसका सबक्लास 3 है that the husband has been sentenced for to imprisonment for a period of 7 years or upward. अब यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जैसे मर्डर का हो गया, ये बहुत से ऐसे केसेस के हैं जिसमें जो आपको इम्प्रिजनमेंट होती है वो 7 years की होती है, 7 years से अबव की होती है। अगर हस्बैंड को सेंटेंस हो गई है और उसमें मेंशन है कि 7 years की इम्प्रिजनमेंट है या इसे अबव की है तो उसमें भी जो खातून है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीख कर सकती है। अब जो 4 है, 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट के अगर हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता कि जिस पर्पस के लिए आपने शादी की है आप वो रिलेशनशिप गाइड नहीं करते फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तो उस सूरत में भी जो खातून है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो सीख कर सकती है। अब आगे जो इसका 5 है दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी सो, कि उसमें जो हस्बैंड है वो शादी के वक्त He was not physically fit for the marriage, but उसने शादी की और उस समय में आपको शादी के बाद पता चलता है लेकिन हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज ही इम्पोर्टेंट था तो उसमें भी आपके पास एक ग्राउंड है कि आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीख कर सकते हैं। बट इसका भी एक प्रोसीजर है कि इसमें कितने टाइम पीरियड तक अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, आप अपने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कराएंगे और उसके बाद जो है ये डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है 6, इसमें आपको अगर हस्बैंड जो है वो इनसेन हो गए लाइक उसके मेंटली जो कंडीशन है वो फिट नहीं है तो उस सूरत में भी जो है आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख कर सकते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड को लेप्रोसी की बीमारी हो गई है या वेनरल डिजीज, ये वो डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ कोई ऐसा इशू हो गया और वो बीमारी आप में भी ट्रांसफर हो सकती है तो उस सूरत में भी जो है आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख कर सकती है। फिर जो नेक्स्ट इसका 7 है, यहाँ पे बहुत सी मैरिजेस ऐसी भी होती हैं जो फैमिली में शादियां कर दी जाती है, बच्चे पैदा होते हैं तो उनके रिश्ते कई दफा तो निकाह हो जाते हैं, माइनर्स की शादियां कर दी जाती हैं और उसमें समटाइम ये भी ऑप्शन होते हैं कि जब लड़की 18 ईयर से अबव होगी तो उस टाइम उसकी रुखसती होगी, लाइक ये चाइल्ड मैरिजेस के केसेस है तो उस सूरत में अगर कोई फीमेल या के फादर ने या उसके गार्डियन ने उसकी शादी कर दी शी वॉज अंडर 16 तो उसके पास भी ये ऑप्शन है कि जब वो 18 ईयर्स की होगी और वो मैरिज जो है वो कंसुमेट ना हुई हो कि उनका आपस में रिलेशनशिप गाइड ना हो तो उस सूरत में भी फीमेल के पास ये ऑप्शन है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख कर सकती है। फिर उसमें जो 7A की आप बात करें लियान, आई हैव सीन दीज केसेस माइसेल्फ जिसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि जी ये अडल्ट्री में मुलव्वस है, लाइक शी हैज फिजिकल रिलेशनशिप विद सम अदर मेल, तो अगर उस सूरत में भी वाइफ के पास ये राइट है कि अगर उसका हस्बैंड उसको लियान के लिए जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं इल्जाम लगाते हैं वो प्रूव नहीं कर पाता उसको तो उस सूरत में भी फीमेल के पास ये ऑप्शन है। और इसकी जो मैंडेटरी प्रोविजन है कि फीमेल जो है वो एक्विजिशन को ट्रू एडमिट नहीं करती, वो कहती है कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन इसके पास कोई विटनेसेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि औरत जो है इन एलिगेशंस को जो है वो डिनाई करे तो उस समय भी कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास कर सकती है। फिर आगे जो इसका 8 है, 8 में
क्रूरिटी की बात की गई है कि अगर हस्बैंड जो है वो क्रूरिटी के अपनी वाइफ को जो है उसके ऊपर जुल्म करते हैं, और ये जुल्म जो है ये सिर्फ फिजिकल की हद तक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको मारपीट करें, बट अभी बहुत सी ऐसी रिसेंट जजमेंट आ रही है जिसमें क्रूरिटी को डिफाइन किया गया है, क्रूरिटी की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल हो, इसमें कोई इंजरी हो, बल्कि अगर आप अपनी अगर मैं इसका सबसेक्शन ए की बात करूँ, लेता है अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम तराशी करता है, उसके लिए उस घर में रहना ही जो है मुश्किल हो जाता है, अगर उसको अलग घर प्रोवाइड नहीं करता, अगर इवन उसके इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो भी क्रूरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और इसके ऊपर एक रिसेंट जजमेंट भी है। तो इस सूरत में भी अगर औरत प्रूव कर देती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी तरफ क्रूर है, जुल्म करता है मेरे पे, तो उस सूरत में भी जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकती है। फिर अगर बी की हम बात करें, जिसका सबसेक्शन बी है एट का, एसोसिएट विद वुमेन ऑफ इवन रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, के वो उसको दूसरी खुवातीन के साथ लिंक कर रहा है कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उस सूरत में भी जो है वो फीमेल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ले सकती है। सी में ये है कि अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ। ओपनली बात करें तो इस तरह के भी बहुत से केसेस आते हैं जिसमें हस्बैंड जो है वो इमोरल डिमांड्स भी करते हैं। आपको नहीं पता कि जिसके आपके साथ फिर जिस बंदे के साथ आपकी शादी हुई है उसका करेक्टर किस तरह है, उसका लिंक किस तरह के लोगों से। यहाँ पे बहुत ऐसा भी होता है कि फीमेल्स की शादियां कर दी जाती है, जुए के केसेस भी होते हैं कि वो अपनी वाइफ को किसी और को दे देते हैं। इमोरल लाइफ का मतलब ये है कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो किसी और के साथ ताल्लुक बनाए, लेकिन इमोरल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो, तो वो भी एक सॉलिड ग्राउंड है कि आप बिजनेस में मैरिज कर सकते हैं। डी में भी है कि अगर आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको डिस्पोजेस कर देते हैं उस प्रॉपर्टी से, या अगर जो है आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज ना कर सके, और राइट्स में ये भी हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी में रिजाइड कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट आउट कर सकती है, तो उस सूरत में भी अगर फीमेल को लगता है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर रहा है या मेरे राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा, तो उस सूरत में भी जो है आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीक कर सकते हैं। ई में ये है कि अगर आप अपनी वाइफ को रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिसेस से मना करते हैं, लाइक अगर वो रोजा रखना चाह रही है, नमाज पढ़ना चाह रही है, मैं मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस की बात करें, नफली रोजों की बात नहीं कर रही, अगर रमजान में आप उसको रोजा रखने से मना करो, नमाज अदा करने से उसको मना करो, हज उम्रे से मना करो, तो उस सूरत में भी फीमेल के पास ये राइट है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीक कर सकती है। फिर उसके बाद एफ में है कि अगर किसी आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हैं लेकिन वो उनको उनमें इक्विटी नहीं करता, उनको बराबरी के तरीके पे बराबरी नहीं रखता उनमें, तो उस सूरत में भी ये है कि खातून के पास राइट है कि वो कोर्ट को रुजू कर सकती है। ये जो नाइन है, नाइन बहुत ही सिंपल वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, लेकिन जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे या मैं आपको एक केस लॉ रेफर करूंगी, देन यू विल गेट टू नो कि ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस अंडर मुस्लिम लॉ, कि और किसी ग्राउंड पे भी ले सकती हैं जो मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, उसकी मैं आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो एक कोर्ट या केस रेफर करके बताऊंगी, टेल यू विल गेट टू नो कि इसका पर्पज क्या है। इन सब भी तो ग्राउंड्स की हमने बात करी, लेकिन इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इसी सेक्शन में बताई गई हैं, प्रोवाइडेड दैट कि अगर जो ग्राउंड थ्री था जिसमें हस्बैंड को जो है वो 7 years की इंप्रिजनमेंट हुई है, जब तक वो सेंटेंस फाइनल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल जब तक वो अपील, अगर वो उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल कर देता है, रिवीजन में चला जाता है, और वो जो सेंटेंस है वो तो टाइम बीइंग सस्पेंड हो जाती है और उसके ऊपर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आती, तो जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं होगी तब तक जो है आपको कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास नहीं कर सकती। जो सेकेंड है इसमें, जिसमें हस्बैंड लापता हो गया, अब इसमें इसका एक प्रोसीजर है जो मैं आपको आगे रेफर करूंगी, बट इसमें कोर्ट जो है वो 6 months वेट करेगी कि आपने कोर्ट में कंप्लेन कर दी कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो 4 साल से लापता है, मुझे नहीं पता उसका, तो लेकिन कोर्ट जो है डिग्री पास करने के बाद 6 months का वेट करेगी, और अगर 6 months में हस्बैंड या उसका कोई जो है वो ऑथराइज एजेंट जिसको वो ऑथराइज करे, वो 6 months में आके कोर्ट को ये कह दे कि जी मैं अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ, मैं बीवी के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो उस सूरत में भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो डिग्री है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। अब इसमें जो सी है जिसमें ग्राउंड 5 को कहा गया है, जिसमें इम्पोर्टेंसी की बात की गई थी कि अगर हस्बैंड की मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है 1 year वेट करेगी और 1 year हस्बैंड को टाइम देगी कि आप आगे कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि आप जो है मेडिकली फिट हो गए हैं, तो उस सूरत में जो है वो कोर्ट जो है इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये इसकी प्रोविजन थी। नेक्स्ट कर दीजिए, थैंक यू।
इसमें मैंने एक सेक्शन की बात की कि अगर हस्बैंड का पता ना हो कि हस्बैंड है कहाँ पर, तो सूरत में नोटिसेस किसको जाएंगे, कोर्ट में किसी ना किसी को तो नोटिस करके बुला रहे हैं। तो उसकी जो प्रोविजन है वो सेक्शन 3 है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट में, जिसमें बताया गया है कि आपने नोटिस सर्व कैसे करना है। पहले उसमें जो बताया गया है, अब हस्बैंड की कोई ना कोई फैमिली तो जरूर होगी, उसके लीगल हेयर्स होंगे। लीगल हेयर्स हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि अगर एक बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी है, और उसकी डेथ के बाद वो उस आदमी के भाई और उसके जो चचा है, सभी चचा है, उनको भी जो है वो पार्टी बनाया जा सकता है। अगर कोई और लीगल हेयर नहीं है तो उस सूरत में जो है चचा और भाई को भी बुलाया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट कर दीजिएगा, सेक्शन 4 की बात की गई है। इस लॉ को पास करने से पहले ये कंडीशन थी कि अगर कोई खातून जो है वो मुस्लिम है और वो अपना मजहब छोड़ के, उनके पास ये राइट था बिफोर 1939, और ये सेंचुरी से चलता आ रहा था कि वो किसी और बंदे से शादी कर सकती थी। लाइक उस टाइम में हिंदू क्रिश्चियन ज्यूज जो है सिख ये सब इकट्ठे रहते थे मुस्लिम, तो बहुत सी खवातीन ऐसी थी जो अपनी अपने हस्बैंड को छोड़ के वो किसी और रिलीजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी। तो एट दैट टाइम इट वाज प्रैक्टिस कि उनको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीख नहीं करनी पड़ती थी, और उनके पास ये राइट था कि वो जो है किसी और बंदे से शादी कर सकती है। बट अब इस सेक्शन के बाद इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई खातून जो है वो किसी और फेथ को अडॉप्ट कर लेती है तो उसका स्टेटस क्या होगा। The renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage. इसमें clearly mentioned किया गया है कि अगर कोई खातून जो है वो इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब को इख्तियार कर लेती है, मैरिड मुस्लिम वुमेन की बात की गई है, तो ये ऑटोमेटिकली उनकी मैरिज को डिजोल्व नहीं करेगा। उसके लिए फिर इनको जो है कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो है वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इसकी जो प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिनंसिएशन और कन्वर्जन द वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 2। अभी जो मैंने आपको कहा था कि पीछे सेक्शन 9 की बात की गई है, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड इज रिकग्नाइज्ड एज अ वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में यह है कि अगर कोई खातून जो है इस्लाम छोड़ देती है और उनका केस जो है वो बाकी ग्राउंड पे फॉल नहीं करता, कि लाइक उनका हस्बैंड जो है वो वायलेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, मिसिंग नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं हुई, और वो अपनी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उसी सूरत में सीख करेंगी, देन शी हैज टू प्रूव टू द कोर्ट कि मैंने इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब को अडॉप्ट कर लिया है। अब इसकी जो एक प्रोविजन ये है कि जो ये लॉ है ऐसी खातून के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो पहले फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन थी, फिर वो मुस्लिम हुई, फिर वो क्रिश्चियनिटी की तरह वापस चली गई, तो देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट, देन शी हैज टू अप्रोच अनदर वे अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। ये जो कानून है सिर्फ उन खवातीन के लिए है जो इस्लाम को छोड़ देती है, या उन खवातीन के लिए जो पहले किसी और मजहब से थी, फिर इस्लाम को कबूल करके उन्होंने शादी की और उसके बाद जो है वो दोबारा अपने रिलीजन की तरह कन्वर्ट हो गई। अब इसमें सेक्शन 5 है राइट टू डॉल नॉट टू बी इफेक्टेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को खुला से डिफरेंशिएट करती है कि आप अगर इन ग्राउंड्स के अंदर जो है मैं इसको पढ़ देती हूँ, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन इफेक्ट एनी राइट विच अ मैरिड वुमन मे हैव अंडर मुस्लिम लॉ टू हर डावर और एनी पार्ट देयर ऑफ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि इस सिचुएशन में खातून का जो हक मैर का जो राइट है वो खत्म नहीं होता और वो जो है वो हक मैर के लिए इंटाइटल होती है। केस लॉस की बात करें, इसमें सेक्शन 4 की हमने बात की थी कि इसका स्टेटस क्या होगा जो अगर आप किसी और रिलीजन की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ये केस लॉ है इसमें बताया गया है कि इस लॉ का इफेक्ट क्या है, ये रिट्रोस्पेक्टिव है या ये बाद में इंप्लीमेंट होगा। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल सम टाइम आज की डेट में गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इसका इफेक्ट जो है वो जो इससे पहले वाले केसेस है उसके ऊपर भी होगा। तो इस केस लॉ में जो मेन डिस्कशन वाली बात थी कि क्या जो है अगर कोई खातून जो है अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लेती है, इस लॉ के बाद उसका मैरिज का स्टेटस क्या होगा। मैं इसको रीड कर देती हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है विच वॉज पास इन 1981 अंडर द लॉ बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट केम इन टू फोर्स एज अ मुस्लिम वाइफ अपोस्टेसी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हर मैरिज, शी वॉज इंटाइटल्ड टू मैरी अगेन अकॉर्डिंग टू हर पर्सनल लॉ ऑफ हर न्यू फेथ। लाइक इस लॉ से पहले खातून के पास ये राइट था कि वो अपने पर्सनल फेथ के अकॉर्डिंगली दूसरी शादी कर सकती है,
Therefore, if the section is given retrospective effect, it would mean that the marriages which was valid when contract suddenly become invalid on 17-1939. ये लॉ पास हो रही है मार्च 1939 में ये लॉ पास हो गए. तो इसमें ये जो डिस्कशन वाला पॉइंट ये था कि अगर किसी खातून की शादी जो है वो कन्वर्ट कर लेती है 1939 से पहले, तो क्या उस सूरत में इस लॉ के आने के तहत उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेंचुरी से प्रैक्टिस चलती आ रही है और कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जो सेंचुरी है. तो उसमें लिखा भी है कि अगर किसी भी टाइम जो हस्बैंड है वो अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लेता है, तो इट डजंट मीन कि खातून का जो डिग्री का सॉरी रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है वो वहीं पे रुक जाएगा. कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि खातून के पास कॉम्प्रोमाइज का राइट है, इसकी सोल डिस्क्रिशन खातून के पास है कि वो अपना केस वापस लेती है या नहीं. हस्बैंड के चार्जेस वापस ले लेने की बेस पे कोर्ट कभी भी उस केस को जो है वो डिसमिस नहीं करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी. और इसमें एक चीज ये भी है कि जो अगर आप किसी खातून पे इस टाइप के एलिगेशन लगाते हैं उससे उस फीमेल की फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, और इसको भी क्रूरिटी जो है वो कंसिडर किया गया कि जरूरी नहीं कि आप अपनी वाइफ को जो है उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करें. अगर आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि खातून की इज्जत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं. तो इस सूरत में जो है हस्बैंड, और कोर्ट ने ये भी कहा कि हस्बैंड जो अपने चार्जेस को वापस ले रहे वो उसकी बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है, वो खातून को लटकाना चाहते हैं कि ना वो इधर की रहे ना वो उधर की रहे. तो इस सूरत में कोर्ट ने यह अपहेल्ड किया कि खातून के पास अपनी डिस्क्रिशन है कि वो इस केस को वापस लेती है, और अगर वो वापस नहीं लेती तो वो इंटाइटलमेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए. नेक्स्ट पीछेगा Okay. अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 4 है कि अगर कोई खातून जो है वो अपना रिलीजन छोड़ के शादी कर लेती है तो उस सूरत में उनकी शादी का स्टेटस क्या होगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्रिमिनल केस है 2011 PCRLJ 388. The petitioner seeking quashment of FIR registered in section 496A PPC, a petitioner lady on preaching of Islam converted her religion and become Muslim more than 6 months ago. अच्छा, ये लॉ जो है ये खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं है. अगर कोई खातून जो है अपना रिलीजन छोड़ के इस्लाम कबूल करती है और वो शादी करती है, उस शादी का क्या स्टेटस होगा और उनकी जो प्रीवियस मैरिज है उसका क्या स्टेटस होगा, उसको डिस्कस किया गया. अब इसके मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ कि एक खातून थी, क्रिश्चियन थी, और उन्होंने इस्लाम से मुतासिब होकर इस्लाम कबूल कर लिया, एंड शी वॉज मैरिड एट दैट टाइम, उनके हस्बैंड क्रिश्चियन थे. और इसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड जो है उसको जान से मारने की कोशिश की, उसको जो है फिजिकली भी असॉल्ट किया. और उसने खातून ने उनको कहा, अगर आप ये जजमेंट को रीड करें उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि एज पर द इस्लाम हमारी शादी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, क्योंकि अब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते. तो उसमें जो है जो खातून थी वो घर से भाग गई और उन्होंने जो है वो मस्जिद में जाके पिना ली. ये केस जो है वो जड़ा वाला का है. तो वो जब मस्जिद में गई तो उन्होंने मौलवी साहब को जो वहां पे मौलम थे उनको बताया कि जी मैंने इस्लाम से मुतासिर होकर क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी जान का दुश्मन हो गया. अब मौलवी साहब ने क्या किया कि उस टाइम ही मस्जिद में ऐलान करा दिया कि जी ये खातून है, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और अगर आप में से कोई बंदा इसको सहारा देना चाहता है, इसके साथ निकाह करना चाहता है, तो जो भी आगे आना चाहते हैं आए हम उसका निकाह पढ़ा देंगे. वहां पे एक साथ है मोहम्मद शकीर रजा नाम था उनका, तो वो उस दिन ने कहा जी कि मैं इस खातून के साथ जो है वो निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने निकाह कर लिया. अब उनके हस्बैंड जो फीमेल थी उसी क्रिश्चियन हस्बैंड ने FIR रजिस्टर कराई उसके अगेंस्ट. तो उसमें कोर्ट ने ये जो है अपील की, मैं उसको रीड कर देती हूँ. Admittedly, the petitioner has impressed Islam, but according to the law of the country, the petitioner was under obligation to file a suit for dissolution of marriage under section 2(9) of the Dissolution of Marriage Act. जिसमें मैंने आपको बताया था कि 9 में बताया गया कि किसी भी और ग्राउंड में जो है आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सीख कर सकते हैं. तो उसमें कोर्ट ने कहा कि उनको जो है ऑब्लिगेशन थी उनके ऊपर, मैंडेटरी है कि लाइक जब 19 मैं आगे भी पढ़ देती हूँ. Because without obtaining decree for the dissolution of marriage, second nikah in presence of existing marriage is not warranted under the law. In the circumstances, the petition is without any merit and dismissed in limine. कि उसमें कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर बिल्कुल राइटली जो है ये FIR रजिस्टर की गई है, क्योंकि जो कंट्री का लॉ है उसमें ये मेंशन है एज पर सेक्शन 2(9) कि आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख करनी है,
तो अगर आपने रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो सीख नहीं की और आप जो है किसी मुस्लिम बंदे के साथ बाद में शादी कर लेती, तो आपको वो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड डिक्लेयर होगी, क्योंकि आपको पहले रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो सीख करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये रिसेंट जजमेंट है 2023 की SCMR 246 जो क्रूरिटी के ऊपर बेस करती है कि क्रूरिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या खाली है फिजिकल असॉल्ट ही क्रूरिटी में डिफाइन किया जाएगा या कोई और भी ग्राउंड्स हैं जिनको क्रूरिटी जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। और ये जो केस जो है ये सेक्शन 28A के ऊपर है जिसमें बताया गया है कि अगर हस्बैंड क्रूर होगा तो वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। In the present case, judgment of the family court depicted the various acts. The court ने जो है वो cruelty जो है वो consider किया, मैं इसको read करती हूँ। After around 1 week of marriage, the behavior of the husband started to change, and he was pressurizing the wife to arrange money to get a house on rent. कि अपनी wife को कह रहे थे तुम पैसे लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए जो है वो rent पे घर लूँगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था, व्हेन द वाइफ वाज प्रेग्नेंट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर स्टार्टेड स्प्रेडिंग अ फॉल्स एक्यूजेशन दैट द माइनर वाज नॉट द चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड व्हिच फर्दर वर्सन द सिचुएशन। दूसरी एलिगेशन उसके ऊपर लगा रहे हैं कि जी इसने जो बच्चा पैदा किया है ये इसके हस्बैंड का है ही नहीं, कि आप ये खातून के ऊपर इतना स्वेयर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी पेटर्निटी को आपने चैलेंज कर दिया। जिसमें थर्ड ग्राउंड है, due to this wife suffered severe mental agony, the husband instead of supporting the wife left her deserted in the house of a house at a crucial time when she was pregnant, the husband neither turned towards her nor paid any maintenance. Third point, usne maintenance bhi pay nahi ki apni wife ko, also paid any maintenance allowance or the delivery expenses which were also borne by the wife. The husband and his family members also imposed a harsh condition that the wife should deposit the salary into joint account with the husband, and if she wants money for personal use she should ask for the permission from her husband. ये मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो वर्किंग लेडीज होती हैं, और ये मैं आपको खाली ये नहीं बता रही कोई ऑर्डिनरी जॉब्स करी होती, मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जिसमें डॉक्टर्स थी उनके पास इस तरह के मतलब वो भी ऐसे इश्यूज फेस करती हैं कि हस्बैंड और ससुराल की तरफ से डिमांड की जाती है कि आप अपनी जो पूरी की पूरी सैलरी है वो हमें दे। मेरे पास इवन एक सर्विंग मेजर का केस आया जो पाकिस्तानी आर्मी में भी काम कर रही है, उनके साथ भी सेम इशू था कि उनके हस्बैंड जो है उनकी बस यही डिमांड होती थी कि आप घर का खर्चा खुद उठाएंगी, गाड़ी आप ले कर देंगी, बच्चों की फीसें आप खुद पे करेंगी, इसके अलावा जो बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है वो आप हमें देंगी। इवन मैंने ऐसे केसेस देखे जिसमें फीमेल से ATM कार्ड भी छीन लिया जाते हैं। तो ये सारे भी क्रूरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है, एंड इफ शी वांट्स मनी फॉर पर्सनल यूज शी शुड आस्क फॉर द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर। डिस्पाइट फाइलिंग द फैमिली सूट द हस्बैंड बिहेवियर डिड नॉट चेंज एंड ही स्टार्टेड कॉजिंग मोर अनरीजनेबल कंडीशन वाज इंपोज्ड दैट द अमाउंट फॉर द हाउस परचेज बाय वाइफ शुड बी रीइंबर्स्ड टू हर बाय हर फादर। के खातून ने जो घर लिया है अब ये साहब डिमांड करें जी कि अब ससुर साहब से कहें कि इस घर के पैसे मुझे दें, जो आपकी बेटी ने घर लिया है उसके पैसे आप वापस करें और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराएं। और कोर्ट ने जो है कि इन सब सर्कमस्टेंसेस द फैमिली कोर्ट हैज राइटली डिक्री द सूट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरिटी। के ये सब चीजें जो है ये भी क्रूरिटी का फैक्टर है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी वाइफ को जो है उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करें तो तभी आपका जुर्म जो है वो प्रूफ होगा। बाकी अगर आप अपनी वाइफ को खर्चा नहीं देते, बच्चों के एक्सपेंसेस आप बेयर नहीं करते, उसको अकोमोडेशन नहीं देते, उसके पैसे छीन लेते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी की बात की गई थी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी की गाड़ी भी हो सकती है, कोई पैसे भी हो सकते हैं या कोई और चीज भी हो सकती है, तो अगर आप उससे उसको डिस्पोज करेंगे तो ये उसकी डेफिनेशन में फॉल करता है। और ये रिसेंट जजमेंट था जिसमें सबसे ज्यादा क्रूरिटी की डेफिनेशन को जो है वो इलेबोरेट किया गया था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो 2022 में पिशावर हाई कोर्ट के सामने आया कि इम्पोर्टेंसी कैसे प्रूफ होगी, कि हस्बैंड खुद प्रूफ करेगा, कोर्ट को ही कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा या हस्बैंड को जो है डायरेक्शन दी जाएगी कि आप इस दिन फलाने बोर्ड मेडिकल बोर्ड के सामने जाएं जो आपका मेडिकल करेगी। तो ये केस भी उसी के ऊपर ही है। ये पिशावर हाईकोर्ट में केस आया, तो पिटिशनर बीइंग अ हस्बैंड and who in his written statement has taken a specific plea that when the aforesaid allegation of impotency were made by the respondent number 1, then plaintiff in the presence of his father-in-law thereafter
her parents required the present petitioner to undergo necessary medical test, which he has done accordingly from a laboratory, and as per the report of the laboratory dated 4/6/2020, petitioner has been declared as a healthy and potent man. तो वो खातून जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा हस्बैंड जो है मेडिकली फिट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, और इस की वजह से मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया. फैमिली की तरफ से डिमांड की गई कि आप अपने लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं, और उसने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए भी है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि और उसको लेबोरेटरी ने हेल्थी भी जो है वो डिक्लेयर किया, लेकिन खातून ने क्या किया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि नहीं, फैमिली को जो है इस बंदे का मेडिकल कराए, और उसमें हस्बैंड को डायरेक्शन दी गई. मैं इसको रीड कर देती हूँ. द जज फैमिली कोर्ट बाय लाइंग द एप्लीकेशन of the respondent number 1 plaintiff has directed the present petitioner to appear before the medical board for assessment of importance, or otherwise the petitioner sorry medical lekar aaye jisme prove hua ki inki jo hai ye medically fit hai. And even during the case jo husband tha usne dusri shaadi ki aur uska bachcha bhi paida hua, to court ne kaha ki theek hai agar hum iska इम्पोर्टेंसी के टेस्ट करा भी लेते हैं, और इनकेस अगर वो मतलब पता चला कि वाकई ही इम्पोर्टेंट है, तो उसमें जो दूसरा बच्चा है उसकी पेटर्निटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा कि वो बच्चा किस तरह हो गया. तो ये कोर्स कभी भी अलाउ नहीं करती, ना ये इसकी लॉ में परमिशन है ना इस्लाम में है. एक हस्बैंड एडमिट कर रहा है कि मैंने मेडिकल्स कराए, और वो उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में सबमिट भी कराए, तो फैमिली कोर्ट को चाहिए था कि उसके ऊपर वो एविडेंस कंडक्ट करती, क्रॉस एग्जामिनेशन होती, उसके बाद डिटर्मिन होती चाहे से क्या आप डायरेक्शन दे रहे हैं हस्बैंड को, चाहे कि आप मेडिकल कराने के लिए स्पेसिफिक बोर्ड के सामने जाए. तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को डिस्करेज किया गया, और उस जजमेंट जो जजमेंट थी फैमिली बोर्ड की, उसको सेटिस्फाइड किया गया. इसको दीजिएगा. अच्छा, एक और बड़ी चीज आती है कि आपने देखा होगा कि लोग अपनी पिटीशंस में भी लिखते हैं, लॉयर्स भी लिखते हैं, क्लाइंट की भी रिकमेंडेशन होती है कि आप लिखें जी कि हमारी मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई हुई. ये एक बड़ा एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जब आप भी केसेस फाइल करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आपके क्लाइंट्स की ये रिकमेंडेशन होती है कि आप इसमें लिखें जी की कंज्यूमिंग. इवन मैंने खुद एक ऐसे कल केस ड्राफ्ट किया जिसमें मेरी क्लाइंट का ये कह रहा था कि जी हमारी मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई. तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है आजाद कश्मीर की, उसकी एक जजमेंट आई है जी 2022 के, इट इज अ रीसेंट जजमेंट, और ये बड़ी ही अच्छी जजमेंट है, बड़ी वेल डिफाइंड है कि इसमें कुरानिक रेफरेंसेस को भी जो है वो बताया गया है, सॉरी अहदीस का बताया गया है कि अहदीस के अकॉर्डिंगली आप कंजर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसमें जो एलिगेशन थी वाइफ ने कहा जी के जो मेरी मैरिज है वो कंज्यूम ने, एक मिनट, हस्बैंड ने कहा था कि जी हमारी मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, लेकिन वाइफ कहती थी कि मेरा जो केस है वो कंज्यूमेशन की डेफिनेशन में फॉल करता है. तो उस चीज को कोर्ट ने डिटरमिन किया, और अगर जो अगर आपकी ये जो डॉवर वाला अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है कि आपने खुदा के केस में आपने जो अपना हक में रिटर्न करना होता है, तो इसमें हस्बैंड की जो एलिगेशन थी वो अपनी वाइफ के ऊपर करना चाह रहे थे कि जी हमारी मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई क्योंकि मेरी वाइफ मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, तो इसलिए हमारा मैरिटल रिलेशनशिप कायम ही नहीं हुआ. तो इसी चीज को बेस बनाते हुए ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इसको मैं रीड कर देती हूँ. द कमांड ऑफ द होली कुरान इन दैट इन द केस ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज द वाइफ बिकम एंटाइटल्ड फॉर फुल अमाउंट ऑफ डॉवर. एज पर कुरान एंड अहदीस के अगर आपकी मैरिज कंज्यूम हो जाती है तो वाइफ जो है वो 100% हक मैरिज के लिए इंटाइटल है. In case of non-consummation of marriage, the wife is entitled to receive half dower. In Islam, consummation of marriage, Khalwa al-Sahiha occurs when the couple spend some time after the marriage in seclusion or in privacy. Intercourse is not necessary. कि इसमें डिफाइन किया गया, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी ये इश्यूज इस तरह के हैं कि किसी भी झिझक के बगैर जो है इसको बताया गया है. हमारा पुराने पाक, हमारी हदीस, हमारे मैरिज रिलेशन के बारे में बहुत क्लियर है. अल्लाह ताला ने खुद इन चीजों को डिफाइन किया है. एंड बीइंग अ लॉयर, आपके पास भी ऐसे केसेस आएंगे जिसमें आपको ये चीजें कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेंगी, तो इन्हीं जजमेंट्स की बेसिस पे हम ऐसे केसेस को प्रूव करते हैं. तो इसमें डिफाइन किया गया है कि एज पर कुरान अगर हस्बैंड वाइफ अकेले टाइम स्पेंड कर लेते हैं और इवन उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं होता, तो ये प्रज्यूम किया जाएगा एज पर कुरान एंड सुन्ना कि आपकी मैरिज जो है वो कंज्यूम हो गई है. और उसमें जो है वो ये भी मेंशन किया गया है कि जितने भी जूरिस्ट हैं हनफी, मलकी, मालकी एंड हम्बली, ये सब इस चीज के ऊपर एग्रीड है कि ये कोई चीज डिस्प्यूटेड नहीं है कि जिसमें जूरिस्ट का भी आपस में लाइक डिफरेंट ओपिनियन हो. ये सब इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ ने अकेले टाइम स्पेंड किया और उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ, तो तब भी मैरिज जो है वो कंज्यूम कंसिडर की जाएगी और वाइफ जो है वो 100% हक मैरिज के लिए एंटाइटल्ड है.
तो उसमें जो हदीस है मैं उसको रीड कर देती हूँ. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड द हस्बैंड हु लिव्स द वेल ऑफ हिज वाइफ फॉलोइंग निकाह लुक्स एट हर प्राइवेटली द मेहर ब्राइडल गिफ्ट बिकम मैंडेटरी वेदर ही हैड इंटरकोर्स विद हर और नॉट. के लिए हदीस का बताया गया और ये हदीस में बड़े क्लियर वर्ड्स है कि अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ तब भी वाइफ जो है वो हक मेहर के लिए इंटाइटल है. इसी तरह एक और है इब्ने उमर की तरह रेफर किया गया है. When the doors are closed, the curtains are drawn, and nobody is seen, she is entitled to have मेहर inheritance. के वो खाली मेहर के लिए इंटाइटल नहीं है, वो हस्बैंड के इनहेरिटेंस के लिए भी इंटाइटल हो जाती है. यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि जी उनका तो निकाह हो गया था लेकिन उन्होंने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, इनका तो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था. तो उस सूरत में भी बताया गया कि आप हक मेहर और आप इनहेरिटेंस दोनों के लिए इंटाइटल हो जाएंगे. तो उसमें और जहाँ पे बात हो रही है और ये डिस्प्यूटेड है कि मैरिज कंज्यूम हुई, हमने कम्युनिटी को डिफाइन किया कि कम्युनिटी में की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें फॉल करती हैं. इसमें एक और पॉइंट भी है कि अगर आप वाइफ एडिशनल वाइफ ले आए विदाउट आस्किंग योर प्रीवियस वाइफ तो वो भी एक कम्युनिटी का ग्राउंड है. ये पिशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसको मैं रीड कर लेती हूँ. पिटिशनर असेंट जजमेंट इन डिग्री पास बाय द फैमिली कोर्ट वेयर बाय हर मैरिज वाज रिजॉल्वड ऑन द बेसिस ऑफ कुला इंस्टेड ऑफ क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड रिस्पोंडेंट. पिटिशनर हैड नॉट सॉट अ डिग्री ऑफ अ रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ कुला. क्या फीमेल जो है वो कुला के ऊपर जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख नहीं करी, बट उनका ग्राउंड ये था कि मेरे हस्बैंड ने मेरी परमिशन के बगैर दूसरी मैरिज की है. तो जो अपील ये जो रिट फाइल हुई इसमें कोर्ट ने अपहेल किया. Petitioner had proved that the behavior of the respondent remained cruel towards her, towards the family. और इसमें एक और चीज ये है, Petitioner had not sought a decree for dissolution of marriage on the basis of Kula. Instead, she had cleared dissolution on the ground that the respondent has conducted second marriage without seeking her permission, and forced her out of his house, and thereafter did not provide maintenance. Petitioner had proved that the behavior of the respondent remained cruel towards her throughout. Family court had erred in passing the decree for dissolution of marriage on the basis of kula and circumstances. Constitutional petition was allowed accordingly. The court ne jo decree ki gayi thi on the basis of kula usko set aside karte hue ye cruelty ke ground pe dissolution of marriage jo hai wo pass ki hai. Next question. इसमें एक और केस लॉ भी है जो क्रूएल्टी के ऊपर ही है, क्योंकि ये हमारे यहाँ अगर क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये कहेंगे कि जी मेरे हस्बैंड ने मेरे पे जुल्म किया लेकिन मेरे पास कोई भी उसका मेडिकल ग्राउंड, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है. लोगों को ये लगता है कि जो जुल्म है वो सिर्फ फिजिकल होता है, लेकिन कोर्ट्स के रिसेंट जजमेंट्स आ रही है, ये भी 2020 की है, जिसमें क्रूएल्टी को डिफाइन किया गया है. हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज एंड स्लैश्ड माइनर डॉटर फ्रॉम द वाइफ. Wife sought decree for dissolution of marriage on the ground for non-payment of maintenance allowance, non-performing of marital obligation. Marital obligation फिर वही बात होती है कि आप husband है अपने जो है अपने marital obligations को fulfill नहीं करा और ये भी एक valid ground है. Marriage was dissolved by the family court on the ground of non-payment of maintenance. Relation between the spouse had become hostile and husband had snatched daughter from wife and contracted second marriage which forced wife to abandon his house. Husband had not made any effort or arrangement to take her wife back to the house, nor he had provided her maintenance allowance, thus mentally torturing her. कि इन सब चीजों की वजह से वो जो फीमेल है वो मेंटली टॉर्चर हुई है. Wife had succeeded to prove the allegation of cruelty in circumstances. Cruelty by conduct and behavior of a spouse justified the grant of divorce. High court, Decree for the dissolution of marriage due to non-payment of maintenance allowance was converted by the High Court into decree for the dissolution of marriage on the basis of cruelty. कि High Court के पास भी ये power है कि वो देखे कि जो lower court है उसने खुला के basis पे जो है वो dissolution of marriage सी वो decree की है. तो court High Court के पास ये power है कि वो judgment को correct कर सकती है, उसको change कर सकती है और facts को देखते हैं कि dissolution of marriage on the basis of cruelty जो है वो grant की जा सकती है. तो ये appeal जो है वो allow हुई थी. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हस्बैंड मेडिकली फिट नहीं है कि उसके बच्चे हो सके तो बहुत से लोग उस चीज को इम्पोटेंसी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं. तो इस केस में बताया गया है कि इनफर्टिलिटी ऑफ द हस्बैंड
इज अ सेपरेट थिंग, उसको आप इम्पोटेंसी के साथ जो है वो मिक्स नहीं कर सकते, और इनफर्टिलिटी के बेसिस पे कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो ग्रांट नहीं हो सकती। ये पिशावर हाई कोर्ट का केस है 2013 का, पीएलडी फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑफ रिकॉर्ड इट ट्रांसपेरेंट दैट द प्लेंटिव हरसेल्फ हैज एडमिटेड बिफोर द कोर्ट बाय रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट दैट एट द टाइम ऑफ हर मैरिज she was in knowledge of the fact about incapability of defendant to create children ke at the time of marriage ki mujhe koi pata tha ki mera husband jo hai wo important nahi hai balki wo medically fit nahi hai ki wo uske bacche paida ho sake aur she has admitted to accept the medical receipt and prescription of 1999 she has not brought on got any medical evidence to prove that defendant is still suffering from the said disease कि ये जो डिसीज है इनफर्टिलिटी की ये क्योरेबल है, और ये क्योरेबल कैसे है इसकी रेफरेंसेस इन सच ए ब्यूटीफुल जजमेंट कि यू विल आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया जो इनफर्टिलिटी के ऊपर है, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को बताया गया है, उसमें अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये मेरी तरफ से है, ये वुमन के इख्तियार में नहीं है 1939। दस इट कैन नॉट बी बेस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज the fertility of infertility or any other incapacitation is beyond the control of human being and act of nature in this regard we sought guidance from the holy quran which is complete full of life allah taala ne quran pak mein aapko har cheez ka bataya hai aur allah taala ne har cheez ko khol ke bayan kiya aur isi wajah se is jo judgment hai isme bhi reference diya hai quran pak ki There are two stories of infertility in the Holy Quran, out of which the first one is that of Hazrat Ibrahim alayhis salam and his wife Sarah. कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी ये चीज, लोग बात भी नहीं करते कि हजरत इब्राहिम और सारा जो है वो भी इनफर्टाइल थे, और अल्लाह ताला ने उनके इंसिडेंट को रिपोर्ट किया पुराने पाक में, और इस स्टोरीज को जो है फर्दर जजमेंट में भी कोट किया गया है, और इसमें पुराने पाक की आयत को डायरेक्ट कोट किया गया। मैं इसको रीड कर देती हूँ। एंड हिज वाइफ वाज स्टैंडिंग देयर एंड शी लाफ्ड। इसमें ये हुआ कि फरिश्ते ने आकर उनको बशारत दी कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, और मैं इसको रीड करती हूं, बट शी गेव अ ग्लैड टाइडिंग ऑफ हिज सॉरी एंड हिज वाइफ वाज स्टैंडिंग एंड शी लाफ्ड बट वी गेव अ ग्लैड टाइडिंग ऑफ इसाक एंड आफ्टर हिम ऑफ जैकब। अल्लाह ताला ने दे वर इनफर्टाइल बट उनको अल्लाह ताला ने औलाद दी जिसमें हजरत इसाक भी थे और हजरत याकूब भी थे। She said, "Alas for me, shall I bear a child? Seeing I am an old woman, and my husband here is an old man." कि इवन अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि वो अगर कोई बंदा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जाके जो है आपके बच्चे नहीं हो गए, आप बूढ़े हो गए, यहाँ पे आदमियों को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी आपकी एज इतनी ज्यादा होगी, पता नहीं आपके बच्चे होंगे नहीं, फीमेल्स के बारे में भी ये बात की जाती है, तो इसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद बता रहे हैं कि मेरे इख्तियार में है कि अगर चाहे कोई बूढ़ा भी है, जैसे ही सारा कह रही है कि मैं और मेरे हस्बैंड इतने बूढ़े हो गए अल्लाह ताला ने हमें अभी हमें औलाद देनी है, तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं जिसको दिल चाहेगा मैं औलाद दूंगा, इसमें मुझे किसी की भी रिकमेंडेशन के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, चाहे आप बूढ़े हैं इनफर्टाइल है मैं आपको औलाद दे सकता हूँ। अगर कोई फीमेल जाके कहती है कोर्ट में जी कि मेरा हस्बैंड इनफर्टाइल है तो वो डिसोल्यूशन मैरिज के लिए इंटाइटल नहीं है। मैं इसको आगे लिखती हूँ, दैट द एंजल्स गेव हिम इब्राहिम ग्लैड टाइडिंग ऑफ अ सन endowed with knowledge, अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी जिसके पास नॉलेज भी थी, बट ही वाइफ केम फॉरवर्ड क्लेमिंग शी स्मॉल एंड पुअर एंड सेड अ बैरन ओल्ड वुमन, कि उनके बारे में भी ये मशहूर था कि ये जो है बांझ है, सारा बांझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो है वो औलाद दी थी। और जो नेक्स्ट इसमें इंसिडेंट है उसी में भी इसको फर्दर एलैबोरेट किया गया है कि हदीस और हमें कुरान पाक से कंफर्म होता है कि हजरत सारा थी शी वाज 90 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज 100 इयर्स ओल्ड, बट अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दिए। और हमें इसे ये लेसन मिलता है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने एक दूसरे की इनफर्टिलिटी के बेस पे एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दी, बल्कि वो कभी भी एक दूसरे से हार्श नहीं थे, बट नेवर हार्श टू ईच अदर इन वर्ड और डीड, नॉट दे अबैंडन्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को छोड़ भी नहीं दिया था इसी बेस पे। द बॉन्ड ऑफ मैरिज लव फेथ एंड टेंडरनेस केप्ट द कपल टुगेदर इवन ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी, शादी का मकसद बच्चे पैदा नहीं है, पैदा करना नहीं है, बल्कि जो है मोहब्बत इत्मान इसलिए अल्लाह ताला ने ये रिश्ते जो है बनाए गए हैं। और जो मेरा सेकंड इंसिडेंट है वो हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी जो वाइफ इश्बा थी उसके बारे में, अल्लाह ताला ने इसको भी कुरान पाक में जो है वो कोट किया इस इंसिडेंट को, और इसमें जो उनको फरिश्ते ने आके बशारत दी थी कि अल्लाह ताला आपको ला देगा,
और इसमें हजरत ज़िकरिया अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांग के औलाद दी, कि आपको ये भी बताया गया कि दुआ से हर चीज बदल सकती है। इवन आप मेडिकली फिट भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको चाहता है औलाद देता है, किसको चाहता नहीं देता। एंड रिमेंबर ज़िकरिया व्हेन ही क्राइड टू हिज लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड लीव मी नॉट विदाउट ऑफस्प्रिंग। कि यहाँ पे बहुत से लोग बेऔलाद होते हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपको दे भी सकते हैं। और इसमें बताया गया कि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, बल्कि अल्लाह ताला से उन्होंने औलाद की जो है वो विश की। दो सो वी लिसन टू हिम एंड वी ग्रांटेड हिम यहया, वी केयर्ड हिज वाइफ बैरननेस फॉर हिम। अल्लाह ताला बता रहा है कि उनकी जो वाइफ है उसके बांझपन को भी मैंने ठीक किया। दीज वर एवर क्विक एक्युमुलेशन ऑफ गुड वर्क्स, they used to quarrel us with love and devotion and humble themselves. Allah Taala bata rahe ki wo mere samne humble the, mere se mangte to is place mein unko la diye. From the above quoted two cases, it is clear in crystal that Ibrahim alayhi salam did not shun, shag, divorce or look down his wife for the reason for infidelity. It is a lesson that all the ummah must learn, and as Allah say, he leaves barren whom he wills. अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है, तो इस चीज को रेफर किया गया। तो इसमें भी आगे बताया क्या है, इट इज अ डिग्री फ्रॉम अल्लाह एंड जो आप सीख कर सकते हैं, तो ये जरूर इसमें मेंशन किया जाता है। तो फिर इसमें बताया गया कि इसमें वाइफ जो है वो प्योरिटी जो है वो प्रूव नहीं कर सकी, हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंसी जो है वो नहीं कर सकी। हाँ, बट वो ने ये कहा अगर आपको बच्चे चाहिए और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड से औलाद नहीं होगी या वाइफ से लाद नहीं होगी, ऑप्शन कि आप जो है मैरिज को डिसॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ कुला, और जो है आप जो है इसको तलाक के बेस पे भी म्यूचुअल कंसेंट से आप मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर किसी फीमेल का When she was under 16 years, उसके पेरेंट या गार्डियन जो है वो उसका निकाह कर देते हैं, तो वो डिसोल्यूशन मैरिज जो है वो सीख कर सकते हैं। और इस केस के जो फैक्ट्स ये थे कि इनका बड़ा सट्टा हुआ दोनों फैमिलीज का, और इसके फादर ने एक जो मैं जजमेंट काफी लंबी थी मैं नहीं लिख सकी, उसमें फादर ने एक स्टैम्प पेपर पे अंडरटेकिंग लिख कर दी कि अगर मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा रिश्ते में तो उसके बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, ये स्टैम्प पेपर भी था। अब जो फीमेल थी उसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ प्यूबर्टी फाइल की, लेकिन उसके हस्बैंड यही कह रहे थे कि नहीं इसको खुला में कन्वर्ट किया जाए और इसको बाउंड किया जाए कि वो जो स्टैम्प पेपर की अमाउंट थी वो मुझे रिटर्न की जाए। तो इसके कोर्ट में ये लिखा है उसके हस्बैंड ने चैलेंज किया था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ पुबर्टी को, इसको प्यूबर्टी की बेसिस पे डिसॉल्व ना किया जाए, इसको खुला की बेस पे कह रही क्योंकि वो 10 लाख स्टैम्प पेपर पे एग्जिस्ट करती है और मुझे मेरे 10 लाख वापस मिला। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उसके फादर ने जो भी किया उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें फीमेल जो है अपनी चॉइस के ऊपर निकाह को खत्म कर रही है, तो इसको खुला में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये जो जजमेंट थी जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट से रिलेटेड थी, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो स्टेजेस ऑफ फैमिली सूट्स है। बट उससे पहले वी हैव टू सी के फैमिली कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन क्या है। स्टेजेस को तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी हैव टू सी के फैमिली कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन किन किन चीजों की है। अच्छा, ये बताइए कि अगर फैमिली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन देखनी हो तो किन मैटर्स पर फैमिली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती, कहां से देखनी है, कोई खास चीज, ये चीजें ना हमें खुद भी नहीं पता थी कि ये स्केड्यूल कहाँ से देखेंगे। मुझे किसी ने बताया अभी भी, मैं बात नहीं करी पहले की बात करी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि है इसमें जो सीखें भी, हमने आज तक कभी स्केड्यूल खोल के देखा नहीं। इवन व्हेन आई वाज स्टूडेंट हमारे टीचर्स ने नहीं बताया कि फैमिली कोर्ट्स किन किन मैटर्स को सुन सकती है। अगर आपने ज्यूरिसडिक्शन देखनी हो फैमिली कोर्ट की, यू हैव टू सी सेक्शन 5
ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 4 है, ये मैं मेंशन भी किया इस के नीचे, वो कह रहे हैं कि आप सी सेक्शन 5, आप सेक्शन 5 को लिख सकते हैं, यानी दिस शेड्यूल हैज टू बी रेड विद सेक्शन 5। अब इसमें अगर सेक्शन 5 की बात करते हैं, ये जुरिसडिक्शन वाला है, इसमें एक क्लॉज है, एक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 द फैमिली कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन हियर एंड एडजुडिकेट अपॉन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 1 ऑफ द स्केड्यूल। कि सेक्शन 5 की आपको बता देंगे इनके पास कौन कौन से मैटर्स सुनने की पावर है, वो भी कहते हैं कि आप स्केड्यूल को रेफर करें, और जो स्केड्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक्ट के एंड पे दिए जाते हैं। अगर आप 1964 का एक्ट देखें तो इसके एंड पे एक स्केड्यूल है जहाँ पे जुरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट मेंशन है। फैमिली कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग कुलाती है, जिसको मैंने आपको सारा डिटेल में डिस्कस कर दिया कि जो अगर लियान वाला केस था, पिबर्टी वाला केस हो गया, क्लूडिटी वाला केस है, इसके बाद इम्पोटेंसी का केस है, हस्बैंड अगर आपका मिसप्लेस हो गया, उन सब केसेस को आप फैमिली कोर्ट में लेकर जाएंगे। इवन जो मैंने आपको क्रिश्चियन लेडी का केस रिपोर्ट किया था यहाँ पर, उसको भी फैमिली कोर्ट में ही जाना था। तो अब अगर उसके नेक्स्ट है जो इसका सेक्शन 2 है, डॉवर के जो केसेस हैं, खातून का जितना भी जहेज हो गया उसके केसेस आप लेके जा सकते हो, और सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एडॉप्शन के, और इंटरनेशनल चाइल्ड एडॉप्शन के केसेस हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई अगवा करके ले गया, इवन सब में ऐसा होता है कि स्पाउसेस जो है वो बच्चे को लेकर भाग जाते हैं, तो उस सूरत में भी आप फैमिली कोर्ट में ही रुजू करेंगे। 7 डिक्टेशन ऑफ मैरिज, अगर आपने अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना है, आपने खुला सीख नहीं करनी, आप रिजोल्यूशन नहीं सीख करनी, बल्कि आप कह रहे हैं कि जो ये निकाह हुआ है ये सिरे से ही गलत है, तो उसके लिए भी आप जो है फैमिली कोर्ट के पास जाएंगे। 8 में डॉरी के केसेस हैं आपके, डॉवर हक में वो कहते हैं डॉरी है वो जहेज का सामान है आपका, और 9 जो है द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड द बिलोंगिंग ऑफ अ वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग इन विद हिज मदर। पर्सनल प्रॉपर्टी में आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो सकती हैं। डॉवर तो डॉरी तो वो होगी जो आपके पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको एज अ जहेज दे रहे हैं, लेकिन फीमेल्स की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, तो वो भी आप फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और 10 जो है एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाह नामा, कि अगर निकाह नामे से कोई और मैटर अराइज हो रहा है वो भी आप फैमिली कोर्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे समटाइम प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि फीमेल को हक पैर में जो है वो प्रॉपर्टी लिख के दी जाती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स ही मेंशन नहीं करते कि वो प्रॉपर्टी को कहाँ पर होगी, तो उस तरह के मैटर्स को भी जो है आप फैमिली कोर्ट में लेकर जाएंगे। या अगर निकाह नामे की कोई जो लाइक सेक्शन है क्लॉज वो डिस्प्यूटेड हो गए हैं, हक में समटाइम डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हक में लिखा कुछ होता है उसको मिटा के कुछ और कर लेते हैं निकाह नामा की वैलिडिटी के लिए, या समटाइम आपके जो निकाह नामे के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक जो भी निकाह नामे रिलेटेड मैटर होगा वो आप फैमिली कोर्ट में लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो इसका पार्ट 2 है ऑफेंसेस एंड एड एंड अबेटमेंट थेरऑफ अंडर सेक्शन 337A1, 337F1, 341, 342, 343, 344, ये जो पीपीसी के सेक्शन है 509, ये जो इस तरह के केसेस हैं कि अगर किसी फीमेल को आप कन्फाइन कर लेते हैं, उसको रिस्ट्रेन कर लेते हैं, या इवन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं जो मैंने खुद देखा कि जिसमें खातून को जो है बहुत ज्यादा फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, तो उसके केसेस भी फैमिली कोर्ट सुनेगी। और इसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं कि अगर कोई केस गया है फैमिली कोर्ट के पास में और फैमिली कोर्ट के सामने ये एविडेंस आती है कि बीवी को जो है वो असॉल्ट किया गया था, उसको इंजरीज हुई और मेडिकल भी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें जो फैमिली जज है वो बाउंड है कि वो इन केसेस का भी ट्रायल करेगा, अगर वो नहीं करता तो उसको मिसकंडक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। आगे कर दीजिए। अब आपने ये तो देख लिया कि फैमिली कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, लेकिन जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपने किस इलाके की कोर्ट में जाना है, वो तो आपको पता चला कि जी हक मैरिज का केस है, बच्चों की कस्टडी का हो गया, खुला का केस है, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का है, तो आपने फैमिली कोर्ट में लेके जाना है। बट किस इलाके की फैमिली कोर्ट में लेके जाना है, तो वो जो है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्ट के साथ हमेशा रूल्स भी होते हैं, अगर रूल्स नहीं होंगे तो एक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, रूल्स उसको फर्दर इलेबोरेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि इनका प्रोसीजर किस तरह होगा। तो जो रूल 6 है ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, उसमें जुरिसडिक्शन का बताया गया है, द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट विल बी दैट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ व्हिच द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट हैज अराइजन।
कॉज ऑफ एक्शन को मैं आपको बाद में बताऊंगी कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, लेकिन अगर किसी भी इलाके में खत्म हो जा रही है वहां पे चाहे सारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या पार्शियल हुआ है, तब भी फीमेल के पास राइट है कि वो उसी इलाके की कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इवन हस्बैंड्स भी कर सकते हैं, ये जो लॉ है खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, हस्बैंड्स के लिए भी, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से कंज्यूमर राइट का केस किया जाता है, बच्चों की कस्टडी का किया जाता है। तो इन केसेस को अगर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग केस आगे भी कोट करूंगी जहां पे हस्बैंड ने केस किया कि मैंने अपनी बीवी का सामान वापस करना है। हालांकि हम ये देखते हैं ऑर्मली प्रैक्टिस में कि खातून ही होती है अपने हस्बैंड से अपना सामान वापस मांग रही होती है, बट एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस लाहौर हाई कोर्ट में भी है जहां पे एक आदमी खुद कह रहे कि ये सामान लेके चले जाए और वो लेने नहीं आ रहे, फैमिली कोर्ट को नहीं पता कि उसने इसके ऊपर डिसीजन किस तरह दे रहे, तो उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। और जो इसका क्लॉज बी है उसमें लिखा गया कि वे द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, कि समटाइम ऐसा होता है कि खातून है वो लाहौर से, उनकी शादी शेखुपुरा में हो गई है, तो उस खातून के पास ये ऑप्शन है कि वो जहाँ पहले रहे थे वहां पे भी केस फाइल कर सकती है, जहाँ पे उनकी सेकंड रेजिडेंस थी वहां पे भी कर सकती है। और इवन समटाइम ऐसा होता है कि दोनों मियां बीवी फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद मूव कर गए, तो उनके पास वहां पे भी ये ऑप्शन है कि वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड देयर इज अ सूटेबल रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर डॉबर द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच द वाइफ ऑर्डिनरली रिजाइड्स shall have the exclusive also have the jurisdiction, कि जहां पे ऑर्डिनरी फीमेल मतलब रेजिडेंस है फीमेल की वहां पे भी आप केसेस फाइल कर सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कैसे डिफाइन किया, इसके पास जजमेंट है 2020 की कराची हाईकोर्ट सिंध की है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। कि खातून जो है वो रिकवरी का केस फाइल करती है अपने हस्बैंड सॉरी मेंटेनेंस राइजिंग फेवर, बट बोथ द माइनर इज मदर बट ऑल्सो रिजाइडिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सेट कोर्ट। Impure order passed by the family court was illegal, having no legal effect, and same was set aside. Plaintiff was directed to represent the friend before family court within the territorial jurisdiction of which his mother was residing. Family court was directed to entertain and decide the suit on merit. इसमें जो उनकी constitution petition है वो dispose of हो गई थी। Dispose of का मतलब ये होता है कि court ने recommendation देके case को close किया, उसको dismiss नहीं किया। Excuse me. आपको जुरिस्डिक्शन का भी कंफर्म हो गया है, आपको ये भी पता चल गया कि फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, लेकिन आपने फैमिली कोर्ट में जाना है क्या लेकर जाएंगे, तो कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। तो उसमें जो सेक्शन 7 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है उसमें बताया गया कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगी। एवरी सूट बिफोर द फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, कि आपने प्लेन सबमिट कराने हैं तभी आपका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होगा इन सच इन मैनर इन सच कोर्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब। और इसमें बताया गया है इसका क्लास बी है सॉरी 2, द प्लेन शेल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट एंड शेल सर्टेन कंटेन अ स्केड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस, कि आपने सारे मटेरियल फैक्ट्स को बताना है। यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया ना कि 3-4 लाइनों में कॉज ऑफ एक्शन लिख के मटेरियल फैक्ट्स नहीं देते हैं, बल्कि आप उसको फुली इलेबोरेट करें कि आपकी जो क्लाइंट है उसके साथ मेन इशू क्या, उसको क्या फेस करना पड़ा जिसकी वजह से वो फैमिली कोर्ट में आएंगे, तो आपने सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने। और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने बहुत ही प्रिसाइज से लिखना है, बल्कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे वो आप सब लिख सकते हैं। फिर उसमें आपने विटनेसेस की भी डिटेल्स देनी है कि जो आप इनकी विटनेसेस को लेकर आएंगे, और आपने उसकी जो है उसके नेम्स भी बताने हैं, एड्रेस भी बताने हैं, ब्रीफ समरी भी बताने हैं कि ये किस चीज की जो है वो एड्रेस प्रेजेंट करेंगे। प्रोवाइडिंग द प्लेन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू द डॉरी मेंटेनेंस डॉवर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पेरेंट टू मीडिएशन। इसमें फीमेल को एक एज दिया गया है कि अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख करेंगे तो बजाय इसे कि वो सेपरेट केसेस फाइल करें, उससे आप फीस तो अच्छी ले सकते हैं, बट लॉ में तो ये है कि आपने इन सब चीजों को कंसोलिडेट करके केस फाइल करना। अगर कोई फीमेल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख करी है तो आप उसमें उनके जहेज के सामान के बारे में भी क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स क्लेम कर सकते हैं, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन भी आप क्लेम कर सकते हैं, और इवन आप जो है वो विजिटेशन राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं, आपको सेपरेट पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। और प्लेन में अगर आप डॉक्यूमेंट लगाने जा रहे हैं तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने सारे उसके साथ लगाने हैं, और उसके कॉपी भी जो है आपने प्लेन पे प्रोवाइड करनी है। और अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपके पास नहीं है लेकिन वो कोर्ट से रेलेवेंट है, देन आपने वो भी मेंशन करने के एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है वो आप केस जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और इसमें एक और चीज ये भी है कि जो कॉपीज है कितनी कॉपीज बनेंगी,
जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे उतनी आपने केस की कॉपी साथ में लगानी है। अच्छा, ये जो एक्ट है इसमें ब्लेम तो नहीं बताया गया कि आपने क्या क्या चीजें इसमें मेंशन करनी है, लेकिन अगर आप रूल्स की बात करें, रूल नंबर 4 जो है फैमिली कोर्ट रूल 1965, उसमें बताया गया कि आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। इसमें पहली चीज ये है कि वो इन राइटिंग में होगी, जबानी कलामी आप केस फाइल नहीं कर सकते, जाकर जैसा गुप्ता है नीचे मेरे साथ ये भी इशू हो गया। अब आप क्लाइंट्स की दफा ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने केस कोई और फाइल किया होता है, लेकिन गुप्ता है जैसा मैं तो बच्चे मुझे नहीं मिले, इन्होंने मेरे से मुझे हक मेल भी नहीं दिया, जबानी नहीं होगा। जो भी आपका क्लेम होगा वो इन राइटिंग होगा, आपने उसको साइन करना है, उसको वेरीफाई करना है और उसको आपने उस कोर्ट में प्रेजेंट करना है जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी। उसमें आप जो है वो प्लेंटिफ खुद भी कर सकते हैं, काउंसिल भी कर सकते हैं, और इवन फीमेल्स को ये एज दिया गया कि वो अपना एजेंट भी अपॉइंट कर सकती है और वो एजेंट के थ्रू भी केस फाइल कर सकती है। और उसमें भी बताया गया कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसका जो रूल सब रूल 2 है उसमें बताया गया। जी जी आप उसका नहीं बुक इसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, आप उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। जी जी हाँ, उस टाइम एग्जैक्टली उस टाइम वेरिफिकेशन, लॉयर कभी भी पर्सनल कैपेसिटी में वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। बट ये सब क्योर है, कोर्ट इसको डिसमिस करते, कोर्ट आपको वापस करेगी, आप इसको वेरीफाई करा के लें, ठीक है, उसकी वजह से आपका केस डिले नहीं होगा। इसे कहते हैं क्योरेबल है कि ये क्योर किया जा सकता है, कि ये ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि जिस वजह से आपको केस ही प्रोसीड ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपके सिग्नेचर्स मिसिंग हो जाते हैं। और इसमें फिर आपने जो है आपने अपना रिलीफ भी मेंशन करना है, आप बताना है कोर्ट को वो जो प्रेयर क्लॉज होता है कि आपको कोर्ट से क्या चीज रिक्वायर्ड है। ज़ूम हो सकते ये मैंने ये आपको वैसे नहीं सोच रही सेटिंग काम करेंगे, ये आपको मैं दे भी दूंगी, ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। बट इसमें मैंने एक खुला हुआ केस है उसका फॉर्मेट लगाया हुआ है कि केसेस किस तरह ड्राफ्ट किए जाते हैं। अब अगर आप देखें जूम ऑफ करके जूम बता देती हूँ, जूम ऑफ करके जूम ऑफ करके हाँ देखिए जूम ऑफ कर दीजिए, ठीक है ठीक है, एक एक दफा होती है, एक दफा होती है। अगर आप सबसे ऊपर देखें राइट साइड पे, तो मैंने ये इस्लामाबाद का केस है, हमारे इस्लामाबाद की जो डिवीजन हुई है वो ईस्ट एंड वेस्ट की है, हमारे कुछ जो सीरियस एक्टर्स हैं वो वेस्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, कुछ जो ईस्ट में है, लेकिन ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमारा कॉम्प्लेक्स एक ही है, ये नहीं कि हमारे ईस्ट की कोर्ट्स डिफरेंट जगह पे है, वेस्ट की डिफरेंट है, ब्लॉक्स आमने सामने है तो आप वहीं पर केस फाइल करते हैं। बट हाँ, जहाँ एरिया देखकर उसके अकॉर्डिंगली आपका केस कभी वेस्ट में जाते कभी ईस्ट में जाते। तो ये जो केस है ईस्ट में गया है, आपने सबसे ऊपर देखा होगा इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट ईस्ट इस्लामाबाद के, आपने कोर्ट को कहना है किस कोर्ट के पास ये पावर है, उसके नीचे आप फैमिली सूट नंबर लगाएंगे, आपको खुद नहीं पता ये कोर्ट का स्टाफ आपको खुद लगा कर देता है। उसके बाद आपने प्लेंटिव का नाम लिखना है, प्लेंटिव वाइफ ऑफ, फिर उसकी रेजिडेंस आएगी, फिर उसके बाद डिपेंडेंट का सेम इसी तरह होगा, फिर ये सूट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला के बेसिस पे आप जो है ये रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो सीख करें। और उसके बाद जो है ये सारे आपने फैक्ट्स बताने हैं, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कि इनकी शादी जो है स्टेट को ही है और मैंने साथ में जो है वो निकाहनामा लगाया हुआ है। फिर उसके बाद जितने भी फैक्ट्स थे इसमें जो इनके हस्बैंड थे ही वॉज वेरी वायलेंट एब्यूसिव थे, लेकिन वो चाह रही थी कि मैं कभी भी लाइक लिंगर ऑन ना हो मेरे मैटर, मुझे 500 रुपया उनका हक में था जिसको वो कहती थी कि मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स बताया कि किन बेसिस की वजह से हम खुला जो है वो फाइल करें, तो ये सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। फिर अगर आपका क्लाइंट है आप उसका बताएं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अभी जो खातून थी शी वॉज वेल क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट थी, तो मैंने इनके सारे डिटेल्स वगैरह मेंशन किया, और फिर उनके बच्चे हैं आप बच्चों की डिटेल्स बताएंगे कि मैरिज से कितने बच्चे पैदा हुए हैं। और उसके बाद भी उसका जो बिहेवियर है आपने कोर्ट को बताना है, ये ना कहें कि उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया, बल्कि मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि लाइक मेरे पास ओवरसीज से केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे होते और या फीमेल है जो मुझे अप्रोच करते हैं खुला केस के लिए, आप हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट कीजिएगा अगर आपके डिवोर्स हो गए अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो लोग बहुत ही स्मार्ट है कि वो हमेशा वेरिफिकेशन करवाते हैं कि आपकी डिवोर्स किस वजह से हुई थी। तो बजाय से कि आप हर किसी को जस्टिफिकेशन दें, आप अपनी पिटीशन में जितने भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं जो रियलिटी बेस्ड हैं आप खुद उसको मेंशन करें, ताकि आपके क्लाइंट का भी भला हो
आपको खुला में कोई भी चीज प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, तो जो भी चीजें आप जरूर मेंशन करें, जैसे इसमें मैंने उनको बताया कि किस किस ओकेजन पे उसने उसको मारपीट की, उसको मारता था, धमकाता था, फिर वो बेटियों के साथ भी वायलेंट होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बेसिस पे जो है हम खुला सीख करें। तो ये सारे पैराग्राफ में जो है मैंने डिटेल्स लिखी है। फिर उसके अलावा जो है इसमें एक और मैंडेटरी चीज होती है कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से अराइज हो रहा है। तो मैंने बताया कि ये इस्लामाबाद के रेजिडेंट है, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, दोनों पार्टीज भी इस्लामाबाद, किसी निकाह भी इस्लामाबाद में हुआ है, और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये भी इस्लामाबाद के, इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। और फिर उसके बाद आप जो है कोर्ट फी का जो फैमिली कोर्ट केसेस होते हैं उसके पे 15 रुपीज़ का, आई डोंट नो पंजाब में, लेकिन इस्लामाबाद में 15 रुपीज़ उसकी फी लगती है, तो वो फी लगाते हैं। और उसके नीचे जो है बिल्कुल फिर आपके काउंसिल अपने प्लेंटिव के सिग्नेचर्स आएंगे, काउंसिल के होंगे, और नेक्स्ट पेज में वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट भी है कि ये पहला केस फाइल किया गया। नेक्स्ट ये सारी हम स्टेजेस ऑफ फैमिली सूट्स की तरफ जा रहे हैं कि सबसे पहले आपने प्लेन फाइल की है, आपने प्लेन फाइल कर दी, लेकिन आप कोर्ट कैसे इन्फॉर्म करेंगे डिफेंडेंट को कि आप अगेंस्ट केस फाइल हुए, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल है वो इंटीमेशन टू डिफेंडेंट है, और वो भी सेक्शन 8 ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में बकायदा एलैबोरेट करके बताया गया है कि डिफेंडेंट को कैसे इंटीमेट किया जाएगा, कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा। आप इसको रीड करके लिखा है कि जब प्लेन कोर्ट में प्लेन चली जाएगी तो नंबर वन जो है ए, आप इसको रीड करें, फिक्स अ डेट विच शैल नॉट बी मोर देन 15 डेज फॉर द पेरेंट्स ऑफ द डिपेंडेंट। ये पंजाब का है, पंजाब का जो लॉ है बड़ा बहुत ही वेल एलैबोरेटेड है, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा इश्यूज है कि वहां पे कोर्ट आप उसने केस फाइल कर दो, कोर्ट महीने की डेट दे रहे कि जी आप नोटिस करा के आए, लेकिन पंजाब में इट्स मैंडेटरी प्रूफ भी है कि कोर्ट जो है वो 15 दिन से ज्यादा की डेट फिक्स नहीं कर सकती। मेरे जो पिंडी में केसेस होते हैं उसमें नोटिस बहुत जल्दी सर्व हो जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम 2 महीने तो सिर्फ आपकी नोटिस की फॉर्मेलिटी में लग जाते हैं। जो नेक्स्ट और उसके साथ एक और चीज ये भी है कि जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी भी कॉपीज प्रोवाइड करनी है। अब लेकिन जो हमारे इस्लामाबाद में है जो मेन प्रॉब्लम आती है, समटाइम कोर्ट कहती है कि जो मेरे केसेस में है, जिससे हमारे क्लाइंट अक्सर तंग भी करते हैं कि हमारे नोटिस में इतना टाइम लगे, कोर्ट कहेगी पहले आप इसको एडी करा दें, आप इसको जो कोर्ट का प्रोसेस है उसके बाद कराए, वो समटाइम उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती, फिर कोर्ट ये अच्छा आप इसको TCS के थ्रू करा दें, फिर TCS की रिपोर्ट लेके जाए तो फिर कोर्ट TCS पे कहेगी अच्छा आप अखबार इश्तेहार भी करा दें। तो आपके केसेस लीगल होने की वजह ये है कि वहां पे ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट नहीं है। बट जो पंजाब में है अगर इसे क्लास सी देखे डायरेक्ट है तो नोटिस और समन इशूड क्लास बी आल्सो बी सर्व थ्रू एफिक्सेशन एंड शैल साइमल्टेनियसली इशू अ प्रोक्लेमेशन इन अ न्यूज़पेपर। कि कोर्ट ने इन सब फॉर्मेलिटीज को विद इन 15 डेज करना है कि आप नोटिस जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हो। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ जिसमें व्हाट्सएप भी मेंशन करती है कोर्ट कि आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं, और जो आपके जो अखबार इश्तेहार है कोरियर है वो सब एक ही 15 डेज के अंदर होगा। और उसके बाद जो है अब 15 डेज के बाद जब डिपेंडेंट कोर्ट में पेयर होगा तो कोर्ट उसको कहेगी कि आप जो है वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करें। ये रिटन है क्यों? अब इस्लामाबाद में कुछ जजेस ऐसे हैं जो लेकिन ये भी ये तो सेकंड हियरिंग पे जाके हुआ। अब आप देखें कि 19/4 को मैंने केस फाइल किया है और इसमें जो नेक्स्ट डेट है वो 3/6 की है। अब इसमें इतना सारा टाइम पीरियड लाइक वहां पे पंजाब वाला लॉ अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने कितने डेज में इसको बुलाना है। अब मैं इसको रीड कर देती हूँ। लेट द समन नोटिसेस बी इशूड इन द नेम ऑफ डिपेंडेंट थ्रू ऑल मोड ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस बी एट द कॉस्ट ऑफ प्लेंटिव अलोन द रजिस्टर्ड पोस्ट एडी कोरियर सर्विस पॉइंटेशन फिक्सेशन एंड ऑल्सो इशूड प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट इन डेली न्यूज पेपर एक्सप्रेस इन कंसर्न एडिशन प्रोक्लेमेशन फी शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 3 डेज इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। कि इन्होंने व्हाट्सएप को तो कह दिया लेकिन इन्होंने टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं किया। तो यू कैन सी कि इन्होंने डेढ़ महीने की डेट है वो सिर्फ नोटिस के लिए कि इतनी। और मेरे जो पंजाब में केसेस होते हैं क्योंकि आई ट्रेवल अलॉट फॉर माई केसेज तो मैंने चपाल में केस किया, मैंने गुजरांवाला में किया, मैंने गुजरात में किया, वहां पे मेरे केसेस महीने में भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के केसेस हैं अगर आप मार्च में फाइल करोगे तो अभी तक आपके खुला के डिसीजन नहीं आते, बहुत लेट हो जाते हैं। और फिर इसमें देखिए आपने कोर्ट में लिखा होगा कि यहाँ पे फिक्सेशन की बात हो रही है। जी पॉइंटेशन भी है और फिक्सेशन भी है। पॉइंटेशन का मतलब होता है कि आपने जाके पॉइंटेशन करवानी है कि डिफेंडेंट किस जगह पर निशानदेही करानी है। और फिक्सेशन का मतलब ये है फिक्सेशन का कि आपने उसके घर में जाके नोटिस लगा कर आने। तो मैंने उसकी भी साथ में पिक्चर लगाई हुई है।
यू कैन सी और इसमें प्रोक्लेमेशन का भी लिखा हुआ है। अब ये देखें, ये मेरा एक नोटिस हुआ है, हम कोर्ट के स्टाफ को लेकर गए, उसने वहां पे प्रेजेंटेशन की है और उसने एफिक्स भी किया और उसने वो पिक्चर बनाई है जो कोर्ट में कल को सबमिट होगी कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है। और जो प्रोक्लेमेशन की बात है, और देखो कि अक्सर अखबारों में इस तरह के एड्स आए होते हैं, इश्तहार होते हैं कि अदालत का नाम लिखा होगा, उसे बुलाया जाएगा, तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है प्रोक्लेमेशन का वो इस फॉर्मेट पे आते हैं। आप देख सकती हैं कि लाहौर के अदालत जनाब नवीद अहमद मलिक साहब गार्डियन जज लाहौर, और इसमें लिखा हुआ है कि दरख्वास्त है दफा 7 और इसमें पार्टीज के नाम लिखे हुए आगे, और इसमें ये भी बताया गया है कि आपकी जो तमीज है वो समझ से मुश्किल हो रही है, तो इसलिए आपको जो है वो डायरेक्शन दी जा रही है कि आप इस डेट को 20 जुलाई 2023 को 8 बजे कोर्ट में हाजिर होकर नहीं होंगे तो आप ये जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जाएगी। No, no, court has to define, court खुद बताएगी कि आपने किस में जाना है, court अपने, if you see this one, यहाँ पे express का mention है, यहाँ पे देखिए, court newspaper का खुद बताती है, आपकी अपनी discretion नहीं होती है। अच्छा, अपनी रिटर्न हमने प्लेन फाइल कर दी, हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जो नोटिस करवाने वाले थे अखबार इश्तहार वाले थे, अब उसमें नेक्स्ट क्या है, अब उसमें डिफेंडेंट को पता चल गया है कि भाई मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो उसमें भी जो सेक्शन 9 है वो कहते हैं कि जो डेट कोर्ट फिक्स करेगी सेक्शन 8 में, जिसमें कोर्ट कह रही है कि आपने इस डेट को आना है, तो उस डेट में फिर क्या होगा कि जो डिफेंडेंट है वो अपेयर होगा फैमिली कोर्ट के सामने, और उसमें आपने रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो अपने सबमिट करानी है, अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने हैं, लिस्ट ऑफ एविडेंस भी देनी है कि आप किस चीज के एविडेंस देंगे। इसके अलावा जो है अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हो उसे, तो कोर्ट अगर आप उसको कोई रीजन सफिशिएंट रीजन बताए कि किस वजह से, समटाइम ऐसा होता है कि आपको नोटिस बहुत लेट मिलते हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट होती है, आप अवेलेबल नहीं है, आपका लॉयर अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट आपको एक दो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रांट कर देती है, लेकिन उसमें भी ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो 15 डेज पास करेगी रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। अब मैंने जो अपने पंजाब में केसेस किए उसमें जिस दिन जो प्रोसीडिंग है वो फेल, मतलब रिकंसिलेशन फेल हो गई, तो कोर्ट ने उसी दिन जो है वो डिसीजन दे दिया, लेकिन जो मेरे एग्जाम्पल के केसेस है उसमें अगर रिकंसिलेशन नहीं होती तो कोर्ट कहेंगे कि जी आप अगली डेट पे एविडेंस लेकर आए, एविडेंस के बारे में अगली दफा आप आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए आए, तो आप केसेस डिले होते थे, बट पंजाब में जो मेरे अपने केसेस में ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोर्ट जो है एफिशिएंटली काम करती है, एज पर द लॉ कोर्ट बाउंड है कि वो जितना जल्दी हो सके मैटर को डिसाइड करे, तो यहाँ पे जिस दिन आपकी रिकंसिलेशन फेल होगी उस दिन आपकी जो डिग्री है वो केस की हो जाती है। फिर उसके बाद ये है कि यही चलता है, देखिए इसमें पंजाब वाले में अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा है, अमेंडमेंट्स है वहां पे डिसाइड हो जाते केस, ये नहीं होगी बहुत टाइम सालों नहीं लगती, लेकिन कुछ मंथ्स का डिले आ जाती है, एक्स्ट्रा डेज उसमें पड़ती है केसेस में। हाँ, और उसमें एक और चीज ये भी कि जिस दिन रिकंसिलेशन फेल हो रही है कोर्ट उसी दिन केस को डिसाइड करेगी, और उसमें उसी दिन कोर्ट ने फीमेल को डायरेक्शन देने का, अगर आपको जो है वो हक में मिले तो आप उसको रिटर्न करेंगी, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है, खुला करें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, तो उसमें हस्बैंड को बाउंड किया जाएगा कि आप अपनी वाइफ को जो है वो हक में पे करें। रिकंसिलेशन आपकी फेल हो गई है, अब नेक्स्ट चीज आती है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए, कोर्ट ने एविडेंस को कैसे जो है वो रिकॉर्ड करना है, इसमें नहीं नहीं ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात है तो जब उसमें भी कोर्ट ने जो है विटनेसेस को एग्जामिन करेंगी, थोड़ा सा ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, और उसमें ये भी है कि कोर्ट जो है वो खुद से भी जो है रिकॉर्ड कर सकती है, जो जज है वो अपनी सुपरवियर में भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी है कि कोर्ट जो है वो समन करके विटनेसेस को भी बुला सकती है, फिर उसके बाद जो विटनेसेस है उनके पास ये पावर है कि वो अपने पास भी जो है वो एविडेंस दे सकते हैं, जबानी भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है, ये भी चीज है कि आप देखेंगे कि फैमिली कोर्ट में एलिगेशन बहुत ज्यादा लगती है, इंडिसेंट वर्ड इस्तेमाल होते हैं, करप्ट असैसिनेशन की जाती है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एविडेंस अगर कोर्ट को लगता है कि कोई इंडिसेंट वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कोर्ट उसी टाइम उस पार्टी को मना कर सकती है कि आप ऐसे अल्फाज को जो है वो यूज ना करें जिससे किसी दूसरे की इंसल्ट हो। फिर उसके बाद जो है कोर्ट
खुद से भी किसी विटनेस से क्वेश्चन कर सकती है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह होते हैं, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मटेरियल जो मटेरियल फैक्ट्स है केस के लिए, उसके लिए किसी भी पार्टी से वो क्वेश्चन कर सकती है। और इसमें जो अब एक नई चीज़ आई है कि पहले क्लाइंट्स के लिए मुश्किल होता था कि उनको जबानी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, तो अब इसमें ये भी चीज़ है कि फैमिली कोर्ट जो है वो एफिडेविट के थ्रू भी एविडेंस जो है वो एडमिट कर सकते हैं। अभी घर के लोग अपनी शहादत के लिए एफिडेविट बनाते हैं, स्टैंप पेपर पे भी यहाँ लिखते हैं, वो उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो कोर्ट वो भी अलाउ कर सकती है। फिर उसके बाद जो ये है कि जो कोर्ट है वो और उसमें भी नेक्स्ट चीज ये है कि जो है कोर्ट खुद से भी किसी विटनेसेस को बुला सकती है जो केस से रेलिवेंट हो। नेक्स्ट करिएगा, आपको सबको पता होगा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, कि लगे पब्लिक है उनसे कोई भी आके अटेंड कर सकते हैं। बट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की भी, इन कैमरा मीन्स कोर्ट उसको अलग कमरे में भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। तो वैसे तो जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है वो पब्लिक हियरिंग होती है, लेकिन फैमिली कोर्ट में ये एक्सेप्शन है रूल 10 में। तो कोर्ट को अगर लगता है कि ये केस के लिए सुटेबल है, या तो वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को भी जो है वो इन कैमरा कर सकती है, इन कैमरा मीन्स कि वो प्राइवेटली कर सकती है, या उसको जो है वो किसी एक हिस्से की भी प्रोसीडिंग्स कर सकती है। फिर उसके बाद अगर दोनों पार्टीज कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि हमारी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, तो कोर्ट उसको चीज को भी फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट करिएगा, फिर इसमें जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का बताया गया कि जो जो एविडेंस होगी उसको इन राइटिंग लिखा जाएगा, जो लैंग्वेज है वो कोर्ट की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश है यहाँ पे चलती तो इंग्लिश में उसको किया जाएगा, या अगर उर्दू है उर्दू में भी हो सकता है। फिर उसके बाद जज की प्रेजेंस में, एविडेंस हमेशा जज की प्रेजेंस में होती है, कोर्ट का एलिमर या स्टाफ है कभी कभी जैसा छुट्टी पे है तो आप उसकी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करा सकते, और उसमें भी जो है जज साहब के सिग्नेचर्स मैंडेटरी है उस एविडेंस के ऊपर। फिर उसके बाद अगर कोई विटनेस है उसकी एविडेंस जो है वो इंग्लिश में है तो वो उसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है, जैसा खुद लिखेंगे, और अगर पार्टी और अगर इंग्लिश में है तो अगर पार्टी चाहें तो उसकी आप ऑथेंटिक ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं जो कि अप्रूव ट्रांसलेशन होगी। और उसके बाद जो एक और चीज़ ये है कि अगर विटनेस किसी ऐसी लैंग्वेज में दे रहा है जो ना तो इंग्लिश है ना कोई, अगर आपने किसी ऐसी लैंग्वेज में जो है वो एविडेंस दी है जो एक मिनट, और अगर कोई ऐसे विटनेस है जिसको लैंग्वेज की लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स है लेकिन उसको समझ नहीं आती, तो कोर्ट उसको एक्सप्लेन करेगी कि प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर देते हैं ट्रायल के दौरान में भी, कि कोर्ट उस बंदे का एटीट्यूड भी नोट करेगी कि उसका एविडेंस देते हुए एटीट्यूड क्या था, कहीं वो इंसल्टिंग तो नहीं था। तो ये जो रूल 8 है इसमें मेंशन किया गया है कि वो कोर्ट ने उसके जो है बिहेवियर को, डिमेनर यहाँ पे लिखा हुआ है, डिमेनर को भी कोर्ट जो है वो नोटिस करेगी और राइटिंग लेकर आ सकती है इस चीज को। इसमें एक और चीज़ है कि कोर्ट जो है वो एक तो आप कुछ विटनेसेस प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं जो आप कोर्ट के थ्रू भी बुला सकते हैं। तो इसमें जो आपके सॉरी सेक्शन 15 है फैमिली कोर्ट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप विटनेसेस को कोर्ट के थ्रू भी समन करा सकते हैं। फिर कोर्ट जो है उसको विटनेसेस को नोटिस इशू करेगी, और उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस कोर्ट में अलाउ नहीं होती, तो उनको कोर्ट जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है। तो ये चीज है। और इसके बाद अगर आप किसी विटनेस को समन इशू कराना चाहते हैं लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट उसके समन्स को भी जो है वो रिफ्यूज कर सकती है। और अगर कोई बंदा जो है जिसको इशू किया जाता है समन लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो कोर्ट उसके ऊपर जो है एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अपने एटीट्यूड को एक्सप्लेन करें, रिफ्यूजल को एक्सप्लेन करें कि आप क्यों नहीं अपीयर होना चाह रहे, और उसके बाद जो है अगर कोर्ट को सूटी पर लगे तो उसके ऊपर जो है वो फाइन भी इम्पोज कर सकती है 5,000 तक का। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसकी वजह से लाइक मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं जी हमने केस फाइल करना है मेंटेनेंस का, लेकिन हम नहीं चाहते कि 5-10,000 रुपये हमारी मेंटेनेंस लगे। तो माय क्वेश्चन जो मैं उनसे करती हूँ, आप अपने हस्बैंड का एविडेंस लेकर आए उसकी इनकम का, हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लॉयर कि मुझे आपके हस्बैंड की इनकम का पता होगा? मैं तो जो आप मुझे एविडेंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली ही मैं जो है आपकी मेंटेनेंस फिक्स करा सकती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है जिसमें हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं है, उसने हाइड किया हुआ, अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करे, या उसका बिजनेस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी केस फाइल करें और आपको हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस कंफर्म नहीं, देन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन
सेक्शन 17A(4) के तरह बाद में आती है, लेकिन इसमें सूट फॉर मेंटेनेंस की बात की गई है कि सूट फॉर मेंटेनेंस का किस तरह प्रोसीड किया जाएगा। तो उसमें जिस भी दिन डिफेंडेंट अपेयर हो जाएगा कोर्ट, उसी दिन जो आपकी प्लेन या रिटन स्टेटमेंट है जो एविडेंस होगी उसको देखते हुए कोर्ट जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करेगी। और उसमें ये होगा कि आपने हर मंथ की 14 को वो आपने मेंटेनेंस पे करनी, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका जो राइट टू डिफेंड होता है वो आपका स्ट्रक डाउन हो जाता है कि आप प्रोसीडिंग्स को फर्दर अटेंड नहीं कर सकते। तो फीमेल ने जो एविडेंस दी होती है उसी को देख के आपको केस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। कि उसके बाद जो है जो नेक्स्ट है कि अगर आपका केस डिक्लेयर हो गया तो कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल ने बहुत कम अमाउंट क्लेम की होती है लेकिन कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेहतर है और इनको ज्यादा मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे भी मेंटेनेंस को इंक्रीज कर सकते, जरूरी नहीं है कि वो प्रे क्लॉज को ही फॉलो करे। जो नेक्स्ट चीज है जो एक दफा कोर्ट ने डिटरमिन कर दी तो हर साल वो 10% इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि अगर एक साल 10 साल पहले वो 10,000 थी तो अभी तक 10,000 रहेगी, वो हर मंथ को हर ईयर को इंक्रीज होगी तो उसी अकॉर्डिंगली। अब जो सेक्शन 4 है फॉर पर्पज ऑफ फिक्सिंग द मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट मे समन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी और अथॉरिटी टू डिटरमिन द स्टेट एंड रिसोर्सेज ऑफ द डिपेंडेंट। मेरे पास एक केस आया था जो मैंने पंजाब में ही किया, लेकिन इस्लामाबाद में भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है कि वो जो हस्बैंड था वो कहते थे कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ 3,000 रुपये मेंटेनेंस दूंगा, लेकिन हमारा ये स्टांस था कि ये लेक्चरार है पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेहतर है, ये अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, इसको एग्जाम्स के पैसे मिलते हैं, इसको समर कैंप्स के पैसे मिलते हैं, तो ये अपनी सैलरी को हाइड कर रहा है। उसके बाद ही मेरे पास पैसे है नहीं, मैं जितने आते मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देता हूँ, बच्चे के लिए मेरे पास सिर्फ 3,000 है। व्हेन आई फाइल एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन और कोर्ट ने लेकर बहुत असिस्ट करना पड़ा, कोर्ट को रेफरेंसेस देनी पड़ी और इसके ऊपर रिसेंटली लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट भी है जिसको मैं रीड करूंगी। तो इसी सेक्शन के तहत पंजाब कॉलेज ने उसका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट किया एंड वी गॉट टू नो कि इसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा जो उसने हाइड की थी। तो इस सेक्शन को यूज करते हुए और अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस प्रूव करने के लिए कोई चीज नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि ये बंदा कहाँ पे काम करे, इवन इस सेक्शन के तहत आप आर्मी को नोटिस कर सकते हैं कि आपको जो इम्प्लॉय है आर्मी ऑफिसर है उसकी सैलरी की जो है आप रिकॉर्ड दे, अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी उसको जो है आप वो नोटिस भिजवा सकते हैं। इवन अदरवाइज अगर उसकी भी प्रॉपर्टी मैंने अपनी वाइफ को साथ नहीं रखना तो वो फोर्स नहीं कर सकता, उस सूरत में बीवी जो है वो मेंटेनेंस और हक में दोनों के लिए एंटाइटल्ड है। डॉली आर्टिकल की बात करें तो इसमें ये है कि इस केस में तो वो हस्बैंड ने कहा था कि मैंने जिरगे के सामने इसका सामान वापस कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा अगर आपने इतने लोगों को बुलाया लेकिन आपने इन राइटिंग कोई रिसीविंग नहीं ली कि आप उसका सामान वापस करें तो इस जिरगे का स्टेटस जो है वो नल एंड वॉइड होगा। और कोर्ट ने कहा कि आपने सामान फिर भी वापस कर लिया, अगर आप कह भी लेंगे मैंने वापस किया बट आपके पास राइटिंग प्रूफ कोई नहीं है कोई रिसीविंग नहीं है तो उस सूरत में आपको सामान जो है वापस करना पड़ेगा। इसमें ये था कि फीमेल के पेरेंट्स ने बोर्ड जी जी सॉरी आवाज कम आ रही है जी 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 अगर हस्बैंड ने हकमैन पे नहीं किया, यहाँ पे एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हकमैन लिखवा लेते हैं और हस्बैंड पे नहीं करते, यही होता है कि 5,000 हकमैन पे कर दिया बाकी बाद में देखा जाएगा, तो उस सूरत में भी औरत रिफ्यूज कर सकती है। जी मैंने आपको केस लॉ रेफर किया उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया और इसके ऊपर 100 ऑफ जजमेंट्स हैं कि अगर आदमी जो है वो हकमैन नहीं देता अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो उस सूरत में औरत बाउंड है कि वो हस्बैंड के पास आके देखिए तो मैंने समझेगी उसको क्योंकि हस्बैंड देखिए जब तक हस्बैंड हक में क्लेयर नहीं करेगा औरत बाउंड नहीं है उसके साथ आप करेंगे, ये मैंडेटरी है ये इस्लामिक प्रोविजन की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा एक और ये भी है कि इसमें इन्होंने सारी रसीदें हमारा पेश की तो दूसरे से ऑब्जेक्शन ये आया कि जी शादी इनकी आज हो रही है लेकिन जो बोर्ड की रसीदें हैं जिन्होंने 2 साल पहले की बना के रखी हुई है, तो कोर्ट ने इसमें ये ओपिनियन दिया है कि जो बच्चों की शादी होती है कोर्ट उसके लिए पेरेंट्स उसके लिए बहुत स्टार्टिंग से जो है वो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और हमारे यहाँ कस्टम है कि बच्चों का बोर्ड जो है पहले से खरीद के रखा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि शादी के टाइम भी खरीदा जाए, तो आप उन रसीदों को कभी भी डिस्प्यूटेड डिक्लेयर नहीं कर सकते और जो खातून है वो अपना बोर्ड वापस मांग सकते हैं आपसे।
ये भी डॉरी आर्टिकल्स के लिए है। इसमें जो ये वाले केसेस है, इसमें जो फैमिली लॉ है मैं उसमें सिविल लॉ सॉरी सीपीसी और कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह के केसेस में डॉरी आर्टिकल्स वाले होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने क्लाइंट की सारी रसीदें कोर्ट में प्रेजेंट करें तभी आप डॉरी आर्टिकल्स में हम वापस मांग सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर जजमेंट पड़े तो कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे पाकिस्तान में किसी भी पेरेंट की ये इंटेंशन नहीं होती कि शादी के बाद हमारी बेटी का घर खराब हो और हमने चीज़ें वापस लेनी है, पर हमारे यहाँ रसीदों का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। तो आपके पास रसीदें नहीं भी हैं तब भी आप अपना सामान जो है वापस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं आ रही थी। इन दी एंड हस्बैंड ने रिटर्न ऑफ डॉरी आर्टिकल्स का केस किया, तो उसमें भी हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां पे बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ की बात होगी उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों के पास पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकते हैं। वाइफ क्लेम कर सकती है और हस्बैंड रिटर्न का भी केस फाइल कर सकती है। तो ये वाला जो केस है इसमें कोर्ट ने जो है उसको अप्रिशिएट किया आपकी नोबल जेस्चर को कि भाई आप अच्छा काम करें कि आप अपनी वाइफ का सामान, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सामान होते भी वापस नहीं देना चाहते, वो बड़ा बड़ा खराब हो रहे थे, डैमेज करके दे रहे थे। तो इस चीज को अप्रिशिएट किया गया और ये बड़ी हाईलाइटेड न्यूज आई थी, ये मैंने न्यूज से ही कॉपी किया इसको। अच्छा, एक और चीज थी कि बिफोर 17 फरवरी 2022 पंजाब में ये रूल था जो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली कि अगर एक जो है खातून है उनको उनका हक मैर पे नहीं हुआ और वो खुला लेती है तो वो 50% हक मैर के लिए इंटाइटल है, और अगर उनको पे हो गया तो उसके बाद वो 25% रिटर्न करेंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस चलती आ रही थी, लेकिन 2022 में इसका डिसीजन आया और इसमें फैजल शरीफ कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि इस्लाम ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है कि अगर औरत है वो खुला क्लेम करे तो वो हक मैर के लिए इंटाइटल हो। अगर उसने हक मैर लिया देन शी इज बाउंड कि वो उसको रिटर्न करेगी। हक मैर सिर्फ आपको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दोस ग्राउंड जो मैंने आपको 8 ग्राउंड बताए थे इसी सूरत में आपको इलैबोरेट किया गया है। और इस जजमेंट डायरेक्शन दी गई थी कि हर फैमिली कोर्ट में जायदाद को उसको बाउंड किया जाए कि आपने पहले फाइनेंशियल स्टेटस असर्टेन कराना है। इसी जजमेंट की बेस पे जो आपको बता रही कि मैंने पंजाब कॉलेज वाला केस किया था, इसी जजमेंट की रोशनी में मैंने कोर्ट को असिस्ट किया और उसका सैलरी रिकॉर्ड मांगा था। ये आप पिटीशन नंबर जो अभी तक रिपोर्टेड जजमेंट जी जी देखिये लिमिटेशन मैटर करती है, अलग स्पेशल लॉस है, फैमिली लॉ स्पेशल है, बट इसमें भी लिमिटेशन मैटर करती है कि अगर आपने सेटिस्फाइड कराना है किसी डिसीजन को तो आपने विद इन टाइम लिमिट आपने उसको करना, अगर नहीं करेंगे तो आपको केस जो है स्ट्रक डाउन हो जाएगा। मेरे खुद एक क्लाइंट का ऐसा केस है जिसमें उसकी जो डिवोर्स थी वो 2018 या 2019 में हुई थी और वो मेरे पास आया समझ पा रही कि मैंने अपना हक मेरा वापस लेना है, लेकिन जब हमने केस फाइल किया तो हमारा केस लिमिटेशन की बेस पे हिट करके कोर्ट ने नहीं देखिए जब भी आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है, फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख आपकी मेंटेनेंस बनती है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज की है तो जो रिमेनिंग अकाउंट अमाउंट होती है वो कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट होती है, वो आप किसी भी पर्सन के पास नहीं जाती, तो आप वो वाला रिकवर करा सकते हैं। बट हाँ लिमिटेशन देखिए लॉ में एक टर्म यूज होती है कि जो क्लाइंट है उसको विजिलेंट
अपने राइट्स पे सोए रहे हैं तो आप 3 साल पहले के लिए नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं चला था. तो ये स्टूडेंट में ब्लाइंड हैज टू बी विजिलेंट कि उसका केस कहाँ पर है और आप खुद फॉलो करें. यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो केसेस से बचने के लिए भाई भाग जाते हैं कि जी कल का डिसीजन आएगा तो देखा जाएगा, बट अगर उसकी एग्जीक्यूशन हो गई वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा थी रिमेनिंग अमाउंट वो डिपॉजिट करा लेगी, बट आप फिर कल को 3 साल बाद अपने केस ओपन नहीं करा सकते. देखिए उसमें भी आपके पास राइट था कि मुझे एग्जीक्यूशन वाला ऑर्डर है आप उसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अगर आपने चैलेंज ही नहीं किया देन यू हैव नथिंग लेफ्ट. पॉसिबली उसकी एक्सेप्शन हो रिट में जाके आई हैव टू सेट दिस थिंग. जी मैं जरा इसके लिए बात के जवाब दूं तो एक तो आप ना थोड़ा सा ये क्लियर करें कि अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी को अटैच करके प्रोटेक्टिंग होल्डर को पकड़ा दी जाए. ठीक है, एग्जीक्यूशन का एक प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन सिर्फ अटैचमेंट पर जाकर खत्म नहीं होती. आपको पता है इसके बाद क्या होता है? इसी में बात कैसे रिपीट की कि इसमें बोर्ड ने डिटरमिन किया कि मैं बेटी बना दी है फैमिली कोर्स के लिए कि पहले वो फाइनेंशियल स्टेटस को सर्टेन करेंगी तो उसके बाद जो है वो केस डिक्री होगा. इसमें बोर्ड जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकती है कि अगर कोई बंदा एविडेंस के लिए नहीं आ सकता तो इसको एग्जामिन किया जा सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किया जा सकता है और उसमें किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को भी इंस्पेक्ट करने के लिए बोर्ड जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकती है. और अगर यह केस चल रहा है और अगर प्लेंटी भी उसका काउंसिल अपीयर नहीं होता तो कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देगी केस. तो ये नहीं है कि वो उनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सबसे ऐसा होता है कि अगर आप अपीयर नहीं होते तो आपका ट्रायल चलता रहता है, लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं है. अगर प्लीडर या प्लीडर मीन्स की काउंसिल या उसका ये प्लेंटी खुद अपीयर नहीं होता तो केस जो है वो डिसमिस हो सकता है, बट आपके पास राइट है अगर आप सफिशियंट कॉज बताएं कि हम किस वजह से अपीयर नहीं हुए थे तो आप 30 डेज में उसको रिस्टोर करा सकते हैं केस को. और अगर आपको लगता है कि आपके केस कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है प्रोसीडिंग्स हुई है तो आप जो है वो विद इन 30 डेज इसकी जो टाइम लिमिटेशन है जब आपकी नॉलेज में आएगा तो विद इन 30 डेज जो है आप इसको सर्टिफाइड करा सकते हैं. और इसमें ये भी है कि क्योंकि फैमिली केसेस में पार्टीज का जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है तो फिर उसमें यह भी है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह होते हैं तो कोर्ट जो है उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए तो कोर्ट उसी कॉम्प्रोमाइज को देखते हुए फाइनल डिसीजन जो है वो पास कर सकती है. हाँ, और अगर आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो आपने ट्रायल करा लिया, आपकी एविडेंस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद कोर्ट आपको दोबारा से कॉम्प्रोमाइज और रिकंसिलिएशन का चांस देगी. इसको पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन कहा जाता है. तो अगर कोर्ट को लगता है कि इनका ट्रायल रिकंसिलिएशन होगी और उसको भी कोर्ट केस का हिस्सा बना होती और अगर नहीं होती तो भी यहाँ पे नीचे लिखा होगा देखिएगा कि शैल अनाउंस इट्स जजमेंट इन गिवन डिग्री तो भी उसको आपका केस कंक्लूड हो जाता है. और इसमें टाइम लिमिट है कि 6 मंथ्स के अंदर जो है वो केसेस डिसाइड होंगे, बट हम कोशिश देते हैं कि नहीं होते तो भी इस सूरत में इस लॉ में ये है कि आप जो है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके डायरेक्शन ले सकते हैं कि हमारे केस को जल्दी डिसाइड किया जाए. कंटेंट ऑफ फैमिली कोर्ट में सबसे ऐसा होता है कि विटनेसेस कोर्ट में मिसबिहेव करते हैं या कोर्ट किसी को नोटिस इशू करते तो वो नहीं आते या जो है आप इंसल्ट करते हैं फैमिली कोर्ट की या ऐसा है कि आप जो है कोर्ट के वर्क जो है उसमें इंटरफेरेंस करें तो कोर्ट उसमें आपके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की भी चार्जेस लगा सकती है और आपके ऊपर जो है वो 2000 फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं.
ये सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 17 ये कहते हैं कि फैमिली केसेस में सिविल प्रोसीजर और जो कानूनी शहादत एविडेंस एक्ट के एप्लीकेबल नहीं है, बट इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि आपको आपने सीपीसी में पढ़ा होगा दो टर्म्स है रेस्ट जुडिकाटा और सब जुडिस के एक मैटर ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिए, तो वो उसी तरह आप जो है वो एक मैटर कोर्ट ने मेंटेनेंस आपकी डिसाइड कर दिया बच्चों की गार्डियनशिप या कस्टडी के मैटर से या आपका हक में है, अगर कोर्ट ने जब डिसाइड कर दिया तो आप दोबारा उस मैटर को नहीं लेके आ सकते, या अगर ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उस मैटर को दोबारा किसी और कोर्ट में नहीं लेके आ सकते, डिसाइड नहीं हो सकते। फिर उसमें इन्फोर्समेंट की बात की गई है कि जब कोर्ट डिग्री पास करेगी तो उसको कोर्ट जो है वो इन्फोर्स भी करा सकती है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या पेमेंट है कोर्ट उसको रिकवर करा सकती है, फिर कोर्ट उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। फिर इसमें अपील का है, अच्छा जो जो फैमिली केसेस है उसमें अपील का जो लाइक राइट है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, और उसमें मेंशन किया गया कि जो अगर कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है तो सिर्फ उसकी एक एक्सेप्शन जो है वो आइटम 8 सेक्शन 2 का जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट का, जिसमें मेरे ख्याल से प्यूरिटी वाला था, सिर्फ आप उस वाले को चैलेंज कर सकते हैं, बाकी अगर इम्पोर्टेंसी की बात हो या अगर प्यूबर्टी की बात आप करें कन्वर्जन की बात करें तो उनकी बेसिस पे अपील फाइल नहीं हो सकती, और अगर कोर्ट ने रिकवरी ऑफ डॉवर या डॉरी का केस आपके फेवर में डिक्री किया है या आप अगेंस्ट डिक्री किया और उसमें जो टोटल अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज है उसकी भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते, और किसी की मेंटेनेंस अगर 5,000 लगे तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी अपील वाला ही है उसमें है। अच्छा ये जो नेक्स्ट चीज है डिवोर्स प्रोसीजर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, डिवोर्स के लिए पंजाब एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी, किसका पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन है और तमाम पाकिस्तानी सिटीजन पे टाइम को जहाँ पे मर्जी हो, तो इसी प्रोविजन के तहत जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो अपनी डिवोर्स को पाकिस्तान में फाइल करते हैं, और अगर जो डिवोर्स की बात है वो सेक्शन 18(7) है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, जिसमें लिखा गया कि एनी मैन हु विशेस टू डिवोर्स हिज वाइफ शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन एनी फॉर्म का मतलब वो जबानी दे सकते हैं, वो इनराइटिंग दे सकते हैं, वो टेक्स्ट मैसेज में दे सकते हैं, वो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, वो वॉइस नोट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी करेगा उसने यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, अगर वो नहीं इन्फॉर्म करेगा तो वो डिवोर्स वैलिड नहीं है, तो आपने जो है वो यूनियन काउंसिल में तो जो चेयरमैन है उसने आपको नोटिस देना, जो भी नोटिस है वो भी उसकी कॉपी होगी नोटिस की, वो आपकी वाइफ को जो है वो दी जाएगी। अब जो 8 है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज देन बाय तलाक, ये सेक्शन बात करते तलाक की तफवीज की, अब बहुत से ऐसे निकाह में होते हैं जिसमें निकाह होते हैं जिसमें हस्बैंड जो है वो अपना राइट जो है वाइफ को डेलीगेट कर देते हैं कि मैं अपनी वाइफ को जो है अपना तलाक का हक जो है तफवीज करता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो भी मेरे बिहार पे डिवोर्स एक्सरसाइज कर सकती है, मैं आपको निकाह नंबर दिखा सकती हूँ उसका, तो उसमें जो कॉलम 18 है उसमें मेंशन किया जाता है कि आया बीवी को तलाक का हक दिया तफवीज किया गया है, अगर किया गया है तो किन शराइत के तहत, तो उसमें भी अगर आपको कंडीशंस मेंशन करना चाहे हस्बैंड को कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है, या सबने मैसेज दिया हस्बैंड कहता है कि बगैर किसी शर्त के मैंने बीवी को दे दिया, तो उस सूरत में सेक्शन 8 के तहत जो खातून है वो तलाक की तफवीज को एक्सरसाइज करते हुए वो तलाक जो है वो प्रोनाउंस करेगी, इसमें वाइफ को जो है वो खुला फाइल नहीं करनी पड़ती बल्कि आपकी डिवोर्स डीड बनती है जिसमें लिखा जाता है कि एज पर दिस कॉलम मुझे राइट टू डिवोर्स दिया गया था और उस राइट को मैं एक्सरसाइज करते हुए डिवोर्स ले रही हूँ, और इसमें आपने जो है पहले तो हस्बैंड इन्फॉर्म करे कोर्ट को मैंने डिवोर्स प्रोनाउंस किया, इसमें वाइफ बताती है यूनियन काउंसिल को और उसके बाद जो सारा डिवोर्स का प्रोसीजर वही फॉलो होता है, और इसमें फिर जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है फिर अगर जब उसको नोटिस चला जाएगा तो वो 30 डेज के अंदर वो मैंडेटरी है कि वो एक जो है वो रिकन्सिलेशन की कोशिश करे, वहां पे भी रिकन्सिलेशन की कोशिश होती है, बट अगर रिकन्सिलेशन फेल हो जाती तो वो आगे जो है वो प्रोसीड होती है आपकी डिवोर्स, ये केस आई डोंट नो एलिजिबल है या नहीं। अब बहुत से ओवर उसमें निकाह, देखिए इस्लाम में रुखसती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स द मेन थिंग निकाह है, आप हस्बैंड वाइफ हो गए दैट्स इट, उसमें भी आपके हक में की थोड़ी वैल्यूएशन चेंज हो जाती है बट आप हस्बैंड वाइफ ही कंसिडर होते हैं, आपके राइट्स ड्यूटीज ईच एंड एवरीथिंग हस्बैंड एंड वाइफ का, पाकिस्तान में खुला फाइल करना चाह रहे हैं, डिवोर्स फाइल करना चाह रहे हैं, अगर आपके क्लाइंट ऐसे जिसको राइट टू डिवोर्स मिला हुआ है,
इन तीनों चीजों में ये मैंडेटरी है कि आप स्पेशल पावर अटॉर्नी भेजेंगे पाकिस्तान. उसमें ये होता है कि आप अपने किसी रिलेटिव को अटॉर्नी भेजते हैं. अब मेरे ऐसे केसेस हैं, मैं और मेरे भाई हम दोनों लॉयर हैं, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे जिनके पाकिस्तान में रिलेटिव नहीं होते, तो उसमें ये एक्सेप्शन हो जाती है कि वो कभी मुझे अटॉर्नी भेज देते, कभी मेरे भाई को. तो हम दोनों मिलकर इन केसेस को प्रोसीड करते कि वो काउंसिल और अटॉर्नी वाला मैनेज करके हम प्रोसीड करते. ये मेरा एक केस था जो मैंने गुजरात में कंटेस्ट किया. अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, लोगों को वो भी ड्राफ्ट करनी नहीं आती, लोगों को पता ही नहीं कि आपने उनमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है. अगर आपने कोई चीज भी मेंशन नहीं की हुई और आप पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे कोई केस फाइल करते लेकिन उसकी पावर नहीं है आपके पास में, तो आप केस जो है वो डिसमिस हो सकते हैं. अब ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने लगाई हुई है, ये टोक्यो में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहां से अटेस्टेड है. ये गुजरात में केस हुआ. अब इनके हस्बैंड ने इनको पावर दी हुई है, यहाँ पे खुला का लिखा हुआ कहीं पे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको. इन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल किया, इन्होंने खुला ले ली, लेकिन इन्होंने खुला के नोटिस इन्होंने किसी और को भेजे, हमें नहीं मिले. इनके खुला जो है वो इफेक्टिव हो गई थी. अब इन भी केस में जो इनके हस्बैंड थे वो काफी अर्से पहले जापान चले गए, जापानीज पासपोर्ट नेशनल होल्डर थे. इनके बच्चे भी जापानीज थे लेकिन इनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटीज नहीं थी. ये इन टीमों को जापान की नेशनलिटी नहीं मिली, तो इन्होंने जापान में रहते हुए पाकिस्तान में केस फाइल किया. अब खुला का हमें नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया. जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, इस आदमी की काफी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, तो उसको ये था कि मैं मेंटेनेंस का सूट किसी तरह डिग्री करवा के मैं प्रॉपर्टी अपने पास रखवा लूंगी, सारी प्रॉपर्टी ऑप्शन करवा लूंगी. लेकिन मुझे नोटिस था वो गलती से किसी तरह वो प्रॉपर्टी में पहुंच गया. जब उन्होंने केसेस को देखा तो इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे शी हैड फाइल फॉर अ गार्डियनशिप एंड कस्टडी केस और